ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैं क्या था बिग माफिया के पास उससे 250 मिलियन डॉलर की पेमेंट लेने के लिए, क्योंकि मैंने उसको बेची थी 5 अरीना और व्हीकल्स उसके टूर्नामेंट के लिए। वो टूर्नामेंट जीतने के बाद उसने मेरे को मेरी 250 मिलियन डॉलर की पेमेंट बहुत ज्यादा आराम से कर दी। वैसे अगर वो नहीं भी जीतता ना, तब भी उसे 250 मिलियन डॉलर देने पड़ते। अभी फिलहाल यार हमारे पास 250 मिलियन डॉलर तो आ गए थे, बट यार उसके बाद उसने मेरे को ये कहा था कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे ना, तो मैं तुम्हें 100 मिलियन डॉलर और दूंगा। तो वो काम ये था कि जो मार्टिन मद्राजो ने, आपको पता होगा, जिसकी माइकल से सबसे पहली फाइट हुई थी लॉस सैंटोस में। तो देखो यार, मार्टिन मद्राजो ने क्या करा, बिग माफिया के भाई से ना ऑनलाइन बिलियन डॉलर्स की पेंटिंग बाय करी और उन सभी पेंटिंग्स को ना ले जाकर अपने घर पर सजा दिया, और बिग माफिया के भाई को उसकी पेंटिंग्स की पेमेंट उसने नहीं दी। तो बिग माफिया के भाई ने बस हमें ये बोला था कि अगर तुम मेरी पेंटिंग्स वापस लाकर दे दोगे तो मैं तुम्हें 100 मिलियन डॉलर दूंगा इस काम के। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैंने उससे मार्टिन मद्राजो का नंबर दिया जिससे उसने डील करी थी, वो वाले नंबर को, और उस नंबर को दे दिया लेस्टर को। लेस्टर ने ट्रैक करके उसकी लोकेशन निकाली और वहां पर जाकर मैंने मार्टिन मद्राजो को कूटा। वो एक घर में छुप के बैठा हुआ था और वहां पर से मुझे सारी की सारी लोकेशन वगैरह पता चल गई और फाइनली पेंटिंग्स जो थी ना उसके घर पर ही मिली। तो गाइस यार, उसके बाद ना बिग माफिया के भाई ने मुझे 100 मिलियन डॉलर दे दिए थे और वो इस वाली कंट्री से भी जा चुका है दूसरी कंट्री में। तो फिलहाल मैं हुआ था फ्रैंकलिन के घर पर, क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग दो लॉस गैंग के बंदों को किडनैप करके लाए थे, क्योंकि अभी ना अपना लॉस गैंग को खत्म करने का प्लान चल रहा है। पता नहीं यार लेस्टर उसे कहां पर लेकर चला गया, अंदर वाले घर में मैंने पूरा पूरा चेक कर लिया है, उससे कॉल करके पूछना पड़ेगा अभी ना। गाइस वैसे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आपको याद होगा जो मेरी लैम्बोर्गिनी सियान थी उसके अंदर मेरे 250 मिलियन डॉलर के डायमंड्स पड़े हुए हैं, और वो जो लैम्बोर्गिनी सियान है मैंने बाहर ही छोड़ दी। भाई साहब एक मिनट गाड़ी रोको, मैं नॉर्मली खड़े होता हूं ना, बंदे नहीं रोकते। अभी निकालना पड़ेगा देसी कट्टा, तब ये लोग गाड़ी रोकेंगे। फिलहाल सामने से इन्फर्नस आ रही है, तो ये गाड़ी वैसे ना बहुत ज्यादा बढ़िया। एक सेकंड मैम, आराम से आराम से। मैम नहीं है, तो गंजा है, मेरे को लग रहा था कोई लेडीज है। यहां पर बाहर निकल तेरी ऐसी की तैसी, मुझे दे वाली गाड़ी। और यहां पर जबरदस्ती गिर रहा है भाई, मैंने धक्का भी नहीं मारा, तेरी ऐसी की तैसी। मैं असली में गिराऊंगा भाई, मैंने धक्का भी नहीं मारा फिर भी गिरने की एक्टिंग कर रहा है। तो चलो गाइस यार, अभी ना फटाफट यहां से मैं ये वाली गाड़ी लेकर निकल लेता हूं, सबसे पहले अपनी लैम्बोर्गिनी सियान लेने, क्योंकि अभी 100 मिलियन डॉलर मेरे पास है और जो 250 मिलियन डॉलर के डायमंड्स है वो सारे के सारे मेरी लैम्बोर्गिनी सियान में, लास्ट टाइम मैं भूल गया था तो काफी देर बाद मुझे याद आया। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते हुए थे उस एरिया में पहुंच चुका हूँ जहां पर मैंने लास्ट टाइम लॉस गैंग के बंदों को दबा कर कूटा था। तो अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलता हूँ। तो ये वही वाला फ्लाईओवर है जिसके नीचे लॉस गैंग अपने अड्डा जमा कर बैठे रहती है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो लॉस गैंग की गाड़ियां तो कुछ खड़ी हुई है और साथ में इधर पुलिस वालों की भी गाड़ियां खड़ी, और ये क्या अंधा है क्या भाई। एक सेकंड थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह भी है और भाई साहब इधर तो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर भी हैं। तो अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी यहाँ से साइड करता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने माइकल को देख लिया ना तो फिर यार बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी ना मेरे को अपनी गाड़ी साइड रोक करना, सबसे पहले मास्क लगाना पड़ेगा तो ही मैं आगे जाऊंगा। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने मास्क पहन लिया है, क्योंकि अगर मैं बिना मास्क के वहां पर जाऊंगा ना तो पुलिस वाले भाई माइकल को अच्छे से पहचानते और यहां पर वो 2 सेकंड के अंदर अपनी पूरी की पूरी फोर्स बुला लेंगे और भाई अभी कभी बहुत ज्यादा कलेश हो जाएगा, तो वो चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तो अभी ना जल्दी से मैं थोड़ा सा अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलता हूं। तो यहां पर जो पुलिस वाले ना शायद से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अब पता नहीं यार ये लोग इन्वेस्टिगेशन एरिया की कर रहे हैं या फिर साथ के साथ मेरी बॉगनी के भी कर रहे हैं। तो वैसे भी मेरे को शक्ल में पहचान तो नहीं पाएंगे, क्योंकि मास्क जो है वो पूरे के पूरे मेरे फेस पर लगा है, और वैसे ये ना थीफ वाला मास्क नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फेस हाइड वाला मास्क है। तो अभी इसमें पुलिस वाले मेरे पे शक तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो ये जो पुलिस ऑफिसर है ना, शायद से मेरी लैम्बोर्गिनी के अंदर झांक रहा है, पता नहीं यार इनकी क्या हरकत है। और ये जो पुलिस वाला है इसको कोई नाइफ मिला है, उसको चेक कर रहा है, और यहां पर काफी सारे पैरामेडिक्स भी आए। और भाई ये पुलिस ऑफिसर मेरे को क्यों घूर रहा है भाई, मैंने कुछ नहीं करा। तो यार अभी ना मुझे अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को लेकर यहां से निकलना है, बट यार इतने सारे पुलिस ऑफिसर हैं, इन्होंने मेरे को देख लिया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो यार मुझे ना कुछ तगड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि पुलिस वालों को पता भी ना चले और मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान लेकर यहां से निकल लूं। भाई क्या करूं समझ नहीं आ रहा भाई। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर मुझे नहीं मालूम ये पुलिस वाले कितनी देर तक इस एरिया में इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, तो यार मुझे ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। और अगर बाय चांस इन्होंने मेरी लैम्बोर्गिनी के अंदर डायमंड देख लिए तो भाई मुझे कंफर्म पता है कि ये लोग सारे के सारे डायमंड्स यहां से लेकर जाने वाले हैं। तो अभी ना मेरे दिमाग में जो आइडिया है ना वो बहुत ज्यादा तगड़ा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस एरिया में ना एक मैं बहुत तगड़ा सा एक्सीडेंट कर दूं, ताकि सभी पुलिस वालों को ध्यान यहां से हटे और फटाफट से अपनी लैम्बोर्गिनी को लेकर मैं यहां से भाग जाऊं। तो अभी ना एक्सीडेंट करने के लिए भाई ये छोटी सी गाड़ी तो कुछ नहीं कर पाएगी, मुझे एक ट्रक चाहिए होगा ताकि जो टक्कर हो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो। तो अभी ना जल्दी से मैं एक ट्रक लेकर आता हूं कोई तगड़ा सा, ताकि एकदम मजा ही आ जाए। फिलहाल इस वाली गली के अंदर भी ट्रक खड़े होते हैं, बट यार यहां पर अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं होगा। सामने की तरफ में ना एक हमर जैसी बहुत जबरदस्त कार आई है, तो फटाफट से ना मैं योली कार लेता हूं। पीछे एक ट्रक भी आ गया, तो ट्रक मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा।
तो भी जल्दी से ना यहाँ पर इन भाई साहब से मैं वाला ट्रक लेता हूँ। तो भाई साहब जल्दी ट्रक से बाहर निकल जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी मुझे। चल तेरी ऐसे की तैसे बाहर निकल, चश्मा वश्मा लगा अगर फुल ट्रक ड्राइव कर रहा है। तो भी जल्दी से यहाँ पर ये वाला ट्रक को मैं लेकर जाने वाला हूँ आगे। तो भाई ये बंदे को क्या दिक्कत है, जबरदस्ती की टक्कर मार रहे हैं। तो गाइस यार देखो अभी ना कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। अभी देखना भाई मैं कितनी जबरदस्त टक्कर मारने वाला हूँ पुलिस वाले को। बस यार यहाँ पर मेरी लैम्बोर्गिनी सांग को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी बंदे थे उनके मैंने टक्कर मार दी। और ये भाई साहब जी देखने आ रहे हैं कि हुआ क्या। एक सेकंड, अभी तक इन्होंने मेरी शक्ल नहीं देखी। तू भी निकल और तू भी निकल। तो चलो भाई अभी ये जो काम था ना मैंने बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर दिया है। अभी फटाफट यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर बचा। भाई साहब मेरे को गोली चलानी पड़ेगी। ऑफिसर पीछे हटो, निकल तेरी ऐसी की तैसी। मैं गोली चलाना नहीं चाहता था। अभी ना फिलहाल किसी भी ऑफिसर ने ना देखा नहीं है कि यहाँ से मैं लैम्बोर्गिनी लेकर जा रहा हूं, क्योंकि जितने भी ऑफिसर थे मैंने सबको मार दिया। और जो बाकी दो ऑफिसर आए थे उनके भी एकदम कट्टा मैंने बजा दिया है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते उस वाले एरिया से थोड़ा बहुत दूर आ चुका हूं। और यार ये यहां पर पता नहीं कौन सी गली है, थोड़ी बहुत देखी देखी लग रही है। हां ये फ्रैंकलिन के पुराने घर वाली गली है, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो। ये है फ्रैंकलिन की आंटी का घर। तो भी ना जल्दी से मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। लेकिन गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना मेरी लैम्बोर्गिनी सियान बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है, क्योंकि ये ना पिछले 2 दिन से एरिया में खड़ी हुई थी। तो भी ना जल्दी से एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर ना बगल में कार वॉश की शॉप है, तो भी ना फटाफट यहाँ से मैं अपनी कार को वॉश करवा लेता हूँ। क्योंकि यार लैम्बोर्गिनी सियान इतनी महंगी कार है और जब एक गंदी दिखती है तो फिर यार बहुत ज्यादा बेकार लगता है। तो भी ना जल्दी से मैं अपनी कार को वॉश करवा लेता हूँ। तो गाइस यार देखो आप लोग को तो पता ही होगा कि बिग माफिया के भाई से मेरी टोटल $350 मिलियन की डील हुई है। तो $350 मिलियन मेरे को वहां से मिल गए और साथ में $200 मिलियन मेरे को मिले हैं डायमंड्स के और $200 मिलियन मेरे को मिलेंगे गोल्ड्स के। यानी कि हमारे पास टोटल इस टाइम पर होने वाले 750 मिलियन डॉलर, जो कि यार बहुत बड़ी रकम है। यानी यार अभी ना अपने पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो अभी ना मैं जल्दी से क्या करूंगा ना थोड़े बहुत घर वगैरह खरीद लूंगा, ताकि यार एकदम अमीरों वाली लुक आए। और जो बॉडीगार्ड्स वगैरह ना उनको भी अब मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए बढ़ाने वाला हूं। मतलब कि अभी ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो कि माइकल से भिड़ सके। बट यार अभी ना यहां पर उससे पहले ना लॉस गैंग के बंदों को मुझे खत्म करना पड़ेगा। तो अभी ना फटाफट ये तो वही वाला रोड आ गया। तो अभी ना दूसरे वाले रोड से ना इस एरिया से मैं निकल लेता हूं और मुझे ना अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को ना 1-2 दिन के लिए छुपा कर रखना पड़ेगा, क्योंकि यार हो सकता है पुलिस वाले ना इसकी तलाश में लग जाए, क्योंकि लास्ट टाइम पुलिस वालों ने देखी थी। तो चलो गाइस यार बिना फटाफट से मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को लेकर निकल लेता हूं अपने शोरूम में। और यार इसको ना मैं अभी अपने घर पर नहीं ले जाने वाला, क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है अभी ना हो सकता है पुलिस वाले इस गाड़ी की तलाश में हो सकता है वो उसको ढूंढ रहे हो। तो अगर वो लोग इसको ढूंढते मेरे घर पर पहुंच गए ना तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तो बिना एक काम करता हूं फटाफट से ना इस गाड़ी को मैं अपने शोरूम के अंदर ले जाकर खड़ा कर देता हूं, क्योंकि ये जो जगह है ना ये पुलिस वालों को बिल्कुल भी नहीं मालूम। तो बिना मेरे जो शोरूम की एंट्रेंस थी वो पीछे की तरफ से भी थी, पर पता नहीं क्यों मैं हमेशा एकदम ना सामने की तरफ से अपनी गाड़ी को एंटर करवाता हूं। चलो कोई नहीं, यहां से अपनी गाड़ी को अंदर लेकर चलते हैं फटाफट से अपने शोरूम के अंदर। तो भाई साहब एक मिनट, लैम्बोर्गिनी सियान आ रही पीछे आराम से। तो भी फटाफट अपनी गाड़ी को मैं लिफ्ट से नीचे लेकर चलता हूं। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को लेकर नीचे अपने शोरूम में आ चुका हूं। तो जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को ना यहां पर आगे लेकर चलता हूं। और गाइस यार बेनी कहां चला गया भाई? बेनी लास्ट टाइम वर्कशॉप में था अरीना की, बट उसने मुझे कहा था कि वो यहां पर वापस आ जाएगा, पर मुझे तो नहीं दिख रहा। एक बार ना अंदर ऑफिस में चलकर चेक करता हूँ, क्या पता वो वहां पर बैठा हो, क्योंकि यार पूरे टाइम तो अपना गाड़ियों की मॉडिफिकेशन ही करते रहता है। बट यार यहाँ पर अभी कोई गाड़ी बची नहीं है जिसकी मॉडिफिकेशन करनी हो, क्योंकि अभी ना नई गाड़ियां लानी पड़ेगी और नई गाड़ियां लाने के लिए भी पैसे इकट्ठे हो चुके हैं। तो जब फ्री होंगे तो नई गाड़ियां लेकर आएंगे। अभी फिलहाल ना मैं जल्दी से चलता हूँ अपने ऑफिस में। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल लिफ्ट में बैठकर मैं और भी नीचे वाले फ्लोर पर आ चुका हूँ, जहां पर अपने शोरूम का ऑफिस है। तो जल्दी से यहाँ पर मैं आगे चलता हूँ और वो देखो सामने की तरफ में बेनी बैठा हुआ है। तो भी ना जल्दी से मैं इससे चलकर बात करता हूँ। और आप में से काफी सारे लोगों ने मेरी ये जगह देखी होगी शोरूम की, तो भाई ये बहुत ज्यादा बड़ी जगह है। और बेसिकली ये जगह मैंने इसलिए बनाई थी, यहाँ पर मैं सोच रहा था अपना जितना भी पैसा होगा वो सारा का सारा यहाँ पर स्टोर करवा दूंगा, या फिर कोई महंगी गाड़ी होगी जो कि चुरा उरा के लाएंगे तो उसको पुलिस वालों से छुपाने के लिए यहाँ पर रखवा देंगे। बट यार अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही हमारे पास पैसा आता है। बट अभी $750 मिलियन है, तो सोच रहा हूँ सारा कैश ना मैं यहाँ पर रखवा दूंगा। तो आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो बेनी यहाँ पर अपना कंप्यूटर पर बैठकर पता नहीं क्या कर रहा है। तो एक बार ना इससे बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल बेनी से बात हो गई है। और यार बेनी ये कह रहा है कि जब ये लास्ट टाइम अरीना वर्कशॉप से वापस आ रहा था अपने शोरूम के लिए, तो इसने ना बीच रास्ते में एक बहुत ही तगड़ी सुपर कार देखी थी, और वो जो सुपर कार है ना उसी के बारे में रिसर्च करने के लिए ये आज यहाँ पर कंप्यूटर चला रहा है। तो गाइस यार ये कह रहा है कि ना इसने उस कार का ऑनलाइन प्राइस चेक करा है, तो वो जो कार है ना कोई महंगी कार नहीं है, बट यार वो कार बहुत ज्यादा
ज्यादा रेयर है और अब ना वो कार बिकती भी नहीं है, मतलब कि उसके सिर्फ और सिर्फ 10 ही मॉडल बने थे पूरे के पूरे वर्ल्ड में, तो वो जो कार है सारी की सारी बिक चुकी है। तो यार ये कह रहा है कि अगर तुम वो कार चुरा कर लाते हो तो ये उस कार के अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन कर देगा ना कि वो कार जो है भाई 50 से 60 मिलियन डॉलर तक की बिक सकती है और भी ज्यादा महंगी बिक सकती है। तो भाई अभी मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि अपने पास पैसों की कमी है नहीं, बट यार अगर इधर से 50-60 मिलियन डॉलर और आ जाएंगे तो अपने को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, अभी जल्दी से मैं बैनी से बात करता हूँ कि भाई वो जो कार है भाई कहाँ पर मिलने वाली है, सब कुछ उससे सारी की सारी डिटेल्स ले लेता हूँ। तो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बैनी से पूरी की पूरी बात हो चुकी है और यार बैनी बस ये कह रहा है कि ना इसने उस गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं देखा, बस ये कह रहा है कि वो जो कार है ना उसका कलर येलो एंड ग्रीन था और इसने ना लास्ट टाइम वो कार जो है डायमंड कैसीनो के अंदर जाते हुए देखी थी और इसको कुछ नहीं पता क्योंकि यार ये लेस्टर नहीं है, ये बैनी है। तो गाइस यार देखो अगर वो गाड़ी डायमंड कैसीनो के अंदर गई है तो सीधी सी बात है वो डायमंड कैसीनो की पार्किंग में ही खड़ी होगी। तो जल्दी से ना अभी मैं वहां पर चलता हूँ और देख कर आते हैं आखिरकार ऐसी कौन सी कार है जिसको देखकर बैनी हैरान हो रहा है, मतलब कि अगर बैनी चाहे ना कैसे भी गाड़ी बना सकता है, बट यार बैनी कह रहा है कि वो जो गाड़ी है ना वो नहीं बनाई जा सकती क्योंकि उसके अंदर कुछ अलग ही मटेरियल लगा हुआ है। तो जल्दी से ना अभी फटाफट यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ पहले। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान में बैठकर ऊपर आ चुका हूँ और ये पीछे ये किसने लगा दिया तुम्हारी ऐसी की तैसी, यहाँ पर ये खड़े होकर इधर कील ठोक रहा है, अभी इसका मैं मुंह ठोकता हूं। भाई साहब यहां पर मेरे जो मतलब कि शोरूम की एंट्रेंस है मजाक बना रखा है तुम्हारी ऐसे की तैसे, निकलो यहां से। भाई यहां पर खड़े होकर कील पता नहीं किस लिए ठोक रहा है मुझे समझ नहीं आया, पूरी की पूरी दीवार ठीक है फिर भी रिपेयरिंग कर रहा है। तो अभी फिलहाल मैंने इसको तो कूट ही दिया, साथ के साथ बेचारा बहुत बुरी तरह गिरा है सीढ़ियों से। तो अभी ना तेरी भाई साहब अगर अभी मेरी लैम्बोर्गिनी ठुकती ना तो मैं इसके बहुत बुरी तरह गोली मारता मत्थे पे, अभी तो फिलहाल मैंने कार पे मारी है क्योंकि भाई देखो माइकल गैंगस्टर है, कोई भी छोटा मोटा आदमी है नहीं। तो कहीं सर अभी ना जल्दी से यहां पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर निकलता हूं डायमंड कैसीनो के लिए। बट यार डायमंड कैसीनो जाने से पहले ना मैं एक बार ही अपने घर पर चल लेता हूँ क्योंकि ये जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं ना ये आज के नहीं बहुत ज्यादा दिनों के पहने हुए, तो सबसे पहले ना कपड़े बदलेंगे क्योंकि यार डायमंड कैसीनो कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बहुत ज्यादा तगड़ी जगह है और वहां पर जाने के लिए ना कुछ ढंग के कपड़े होने चाहिए तो ही तगड़ी लुक आती है। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी सियान भगाते भगाते पहुंचने वाला हूँ सीधा माइकल के घर पर। तो बस ना मुझे वहां पर जाकर सबसे पहले ये चेक करना है कि आखिरकार जो सिक्योरिटी गार्ड मैंने अपने घर पर लगवाए थे वो अभी भी मेरे घर पर है या फिर नहीं है। तो फिलहाल मेरे को ना इस वाले कट से राइट लेना था और मैं मजे में यहाँ पर अपनी गाड़ी को आगे ले जा रहा था। और ये बस इस वाले रोड पर कब से आने लग गई भाई, मैं पहली बार देख रहा हूँ ये वाली बस इस रोड पर, वरना यहाँ पर वाइनवुड वाली चलती है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे घर पर खड़ा हुआ है और दूसरा वाला सामने वाले गेट पर है। तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को अंदर लेकर चलता हूँ और यहाँ पर जो मेरी ब्लू वाली कार है ये शायद से जिमी यहाँ पर लेकर आ गया होगा। तो जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़े करता हूँ और गाइस सर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं उन सभी की गाड़ियाँ और सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड अभी भी मेरे घर पर मेरे घर की सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो भी जल्दी से मैं अपने घर के अंदर चलता हूँ और सबसे पहले ना यहाँ पर मैं पीछे की तरफ भी देख कर आता हूँ क्योंकि पीछे की तरफ भी दो सिक्योरिटी गार्ड थे। देखो एक यहाँ पर खड़ा हुआ है और जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो चलो गाइस यार अभी बहुत सही सीन है। तो भी ना फटाफट सबसे पहले मैं ऊपर चलता हूँ अपने कपड़े बदलने के लिए क्योंकि गाइस यार अभी ना मैं जाने वाला हूँ सीधा डायमंड कैसीनो और डायमंड कैसीनो में जाने से पहले ना मुझे अपने एकदम बढ़िया से कपड़े पहनने पड़ेंगे और यहाँ पर अंदर वाले रूम में जिमी गेम खेल रहा है। तो भी ना जल्दी से मैं चलकर अपने कपड़े बदलता हूँ। तो मैं अभी सोच रहा हूँ ना कि ब्लैक कोट पैंट पहनेंगे वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बाकी तो यार यहाँ पर काफी सारी आउटफिट्स है। तो ये है ब्लैक वाला कोट पैंट। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना मैंने बहुत ही ज्यादा तगड़ी आउटफिट पहन लिया, मतलब कि ऊपर से नीचे तक पूरी ब्लैक है लेकिन जो शूज है ना वो व्हाइट है जो कि यार बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं मेरे को। तो गाइस यार ये आउटफिट आपको कैसे लग रहे कमेंट में जाकर जरूर बताना। तो यार अभी ना बिना किसी देरी के जल्दी से मैं निकल लेता हूँ सीधा डायमंड कैसीनो के लिए। और यार मेरे पास तो वहां पर जाने के लिए गाड़ियां तो बहुत सारी है बट मेरी आधे से ज्यादा गाड़ियां रेंट वाले हाउस पर खड़ी है, लैम्बोर्गिनी टायर्स हो और अपनी ट्रोन बाइक और भी बहुत सारी कार्स जो है सारी वहीं हैं। और यहां पर मेरी है लिमोजिन जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं ले जाने वाला और साथ के साथ जो मेरी लैम्बोर्गिनी सियान है इसके अंदर बहुत सारा पैसा है तो यार मैं लैम्बोर्गिनी सियान भी लेकर नहीं जाना चाहता क्योंकि यार वहां पर ना भी बहुत ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें हो सकती हैं, मतलब ना वहां से मैं गाड़ी चुरा कर लानी है यानी कि भाई दूसरी गाड़ी से वापस आना पड़ेगा। तो लैम्बोर्गिनी सियान तो मैं भूल कर भी नहीं ले जाने वाला, इसलिए लैम्बोर्गिनी सियान को मैं अपने घर के अंदर एकदम चुपचाप से एकदम आराम से पार्क कर देता हूँ यहाँ पर। तो एक काम करता हूँ ना यहाँ पर जिमी की साइकिल खड़ी हुई है तो सोच रहा हूँ साइकिल से चले जाऊँ लेकिन यार बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक काम करता हूँ माइकल की जो पुरानी वाली गाड़ी है ना इसी को लेकर चलता हूँ, इस गाड़ी को कब यूज करेंगे भाई, ये गाड़ी एकदम कचड़ा है। तो चलो गाइस अभी ना बिना किसी तरीके मैं निकल लेता हूँ सीधा डायमंड कैसीनो के लिए। बट यार वहां पर जाने से पहले ना मेरे को एक बार जाना पड़ेगा एम्यूनेशन की शॉप पर क्योंकि अभी मेरे पास ना सिर्फ और सिर्फ दो गन्स है और उन दोनों गन के अंदर ना यार एक गन में भी भाई सप्रेसर नहीं लगा है। तो सप्रेसर लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि अगर मेरे को किसी को भी साइलेंटली किल मारना है ना तो मैं बिना सप्रेसर के नहीं कर पाऊंगा। तो बिना फटाफट से मैं चलता हूँ सीधा सामने की तरफ एम्यूनेशन की शॉप पे। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते एम्यूनेशन की शॉप पर पहुंचने वाला हूँ। तो सामने ही आ गई एम्यूनेशन की शॉप, तो अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ और जल्दी
से चलता हूँ सीधा अंदर शॉप के। और यार यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ किस लिए लगी हुई है भाई? मतलब एम्युनिशन की शॉप के बाहर भीड़ लगाने का क्या मतलब है? तो भी ना यहाँ पर भाई साहब जी देखो, सबसे पहले तो मुझे आर्मर चाहिए क्योंकि आजकल लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है। तो यार देखो ये रही सप्रेस पिस्टल, बट यार इसके अंदर ये तो मशीन पिस्टल है। हाँ मशीन पिस्टल मेरे को चाहिए। और इसके अंदर भाई साहब यहाँ पर सप्रेसर लगा दो, एक्सटेंडेड क्लिप लगवा दो, और अगर कोई स्किन वगैरह हो तो वो भी देना। ऑरेंज स्किन है? नहीं यार ऑरेंज, पिंक मेरे को बहुत सही लग रही है। बाकी यार यहाँ पर देखो ऑरेंज गोल्ड स्किन लगवाया था, गोल्ड सबसे महंगी है सीधी सी बात है। और बाकी प्लैटिनम वाली तो मेरे को नॉर्मल लग रही है। तो यहाँ पर अभी ना मैंने काम की चीजें तो लगवा ली, अगर लाइट भी लग जाती तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहता। बट यार यहाँ पर ना टॉर्च नहीं लग रही है क्योंकि यार पिस्टल के अंदर ना टॉर्च भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर ये सब तो मैंने बाय कर लिया। और यहाँ पर और क्या क्या चीजें मेरे को यार आर्मर चाहिए सबसे महंगे वाला, तो यहाँ पर अभी ना सबसे महंगे वाला आर्मर मैंने बाय कर लिया है। और अगर कोई नाइफ वगैरह हो तो भाई वो भी बताओ, बाकी यार इस पे मेरे को तो नहीं लगता नाइफ होगा। तो गाइस यार अभी ना जल्दी से मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, अपनी को जो जो चीजें बाय करनी थी मैंने बाय कर लिया है। एक बार ये ना पिस्टल चेक कर लेता हूँ, ये है मस्टीन पिस्टल। तो इसके अंदर सप्रेसर लगा एकदम बढ़िया भाई, पूरी की पूरी साइलेंट है। तो गाइस यार अभी ना बिना किसी देरी के मैं निकल लेता हूँ सीधा डायमंड कैसीनो के लिए। तो गाइस यार वैसे अगर देखा जाए ना तो यहाँ से डायमंड कैसीनो ज्यादा दूर नहीं है, बस मेरे को अपनी गाड़ी को बस यू टर्न लेना है और इसके बाद बिल्कुल एकदम सीधा भगाना है राइट वाले रोड पर। अगर लेफ्ट वाले पे जाऊंगा तो रॉन्ग वे है। तो गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते पहुंचने वाला हूँ सीधा डायमंड कैसीनो। बस ना मुझे आगे वाले कट से लेफ्ट लेना है क्योंकि यार यही वाला हाईवे जाता है सीधा डायमंड कैसीनो के लिए। बाकी मैं थोड़ा सा गलत जा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे किस कट पर जाना था मुझे अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा। जो डायमंड कैसीनो मेरे को सामने नजर आ रहा है, तो एक काम करता हूँ ना अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ, कोई ना कोई तो कट जरूर होगा आगे से। तो वैसे जो कट था ना वो यही वाला था, अभी मैं रॉन्ग वे चले जाता गलती से। तो यहाँ से मुझे अपनी गाड़ी को आगे लेना है और इस टाइम यहाँ पर लेफ्ट में कोई कट है क्या? नहीं यार यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत आ गया। उसकी साइकिल चुरा के भाग रहा, तेरी ऐसे की तैसी साइड रोक तेरी भैंस की टांग। भाई साहब उस बंदे की साइकिल चुरा कर भाग रहा। भाई साहब जल्दी से अपनी साइकिल उठाओ और यहाँ से निकलो। थैंक्स थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, तेरे पे भी गोली बरसा दूंगा, फटाफट यहाँ से निकल भगा इसको, चल तेरी ऐसे की तैसी। भाई मतलब पता तो चलना चाहिए भाई किसी गैंगस्टर ने हेल्प करी है। भाई वो बंदा बेचारा उसकी साइकिल चुरा कर भाग रहा था और मैंने जोश जोश में ना सीधा उसकी गोली बजा दी बेचारे की जान ही चलेगी 500 रुपए की साइकिल के लिए। तो अभी ना जल्दी से चलता हूँ आगे। और गाइस यार अभी मैं आ चुका हूँ सीधा डायमंड कैसीनो के लिए और यहीं पर ना थोड़ा सा आगे लॉस गैंग वालों का भी अड्डा है, तो अभी वहां पर जाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। तो अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को डायमंड कैसीनो के अंदर लेकर चलता हूँ। और गाइस यार यहाँ पर आप लोग पार्किंग में देख पा रहे हो कितनी सारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी पार्किंग चेक कर लिया, बट यार मुझे ना यहाँ पर अभी तक वो गाड़ी नजर नहीं आ रही। तो यार बैनी ने मुझे कहा था वो जो सुपर कार है ना उसका कलर ग्रीन एंड येलो है, बट यार यहाँ पर कलर की बात छोड़ो यहाँ पर कोई सुपर कार ही नहीं खड़ी है। तो एक काम करता हूँ ना जल्दी से मैं, ये सामने की तरफ में एक अलग सी पार्किंग मेरे को नजर आ रही है, तो अगर मैं इस पार्किंग के अंदर जाऊंगा तो क्या पता यहाँ पर मुझे गाड़ी मिल जाए। तो इसके अंदर जाने से पहले ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर अपनी गाड़ी को मैं खड़े कर देता हूँ और सामने की तरफ में ना 360 कैम है। तो एक काम करता हूँ अंदर जाने से पहले ना इन सभी 360 कैम को मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो गन है ना इसको मार के मैं सभी कैमरे को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक कैमरे मैंने मार दी और ये रहा दूसरा कैमरा, इस पर भी गोली मार दी। तो यहाँ पर ना काफी सारे कैमरे, तो फटाफट से इस वाले कैमरे पर मैं गोली मारता हूँ तो ये वाला भी जो है खराब हो जाएगा। और एक कैमरा ये वाला, इस पर भी गोली मार के मैंने इस वाले कैमरे को भी जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो चलो गाइस यार अभी ना बिना किसी देरी के मैं इस पार्किंग के अंदर चलता हूँ, बट यार अगर यहाँ पर और कोई कैमरा हुआ ना तो शायद से वो मेरी शक्ल देख लेगा। तो एक काम करता हूँ अभी ना मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर जाने वाला हूँ क्योंकि यार हो सकता है पार्किंग के अंदर इन्होंने अलग से कैमरे लगा रखे हो। तो यहाँ पर फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को अंदर ले जाता हूँ। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर आ चुका हूँ सीधा पार्किंग में और जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को भी अंदर लेकर चलता हूँ। और ये जो पार्किंग है ना यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के ना थोड़े बहुत ज्यादा चार्जेस लगते हैं। तो भी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलता हूँ। और गाइस यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई साहब कितनी सारी तगड़ी तगड़ी कार्स यहाँ पर खड़ी हुई है, बट यार मुझे ना अभी इधर कोई भी ग्रीन एंड येलो कलर की कार नहीं दिख रही। जिस कार की बात बैनी कर रहा है ना उस टाइप की तो कोई भी कार यहाँ पर है नहीं जिसको देखकर मैं हैरान हो जाऊं। तो गाइस यार वो देखो, अगर मैं अपनी गाड़ी को लेफ्ट में लेकर जाता हूँ तो गाइस यार यहाँ पर वीआईपी पार्किंग की एंट्रेंस है। तो यार मुझे नहीं मालूम कि वीआईपी पार्किंग के अंदर मेरी गाड़ी जाएगी या फिर नहीं जाएगी, क्योंकि यार माइकल वैसे वीआईपी आदमी है समझ लो एक टाइप से, तो इन्होंने रोका तो नहीं। तो भी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को अंदर लेकर चलता हूँ। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं डायमंड कैसीनो की वीआईपी पार्किंग के अंदर अपनी गाड़ी लेकर आ चुका हूँ। और गाइस यार सामने की तरफ में ना बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, तो मुझे ना इनसे थोड़ा सा डर इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर बाय चांस इनको ये पता चल गया कि मैं डायमंड कैसीनो का वीआईपी मेंबर नहीं हूं तो भाई सीधा या तो ये लोग मेरे को लात मार के निकालेंगे या फिर गोली मार के निकालेंगे, ये मुझे नहीं मालूम। बाकी यार देखो माइकल को भी सब बंदे जानते हैं, तो अगर इन्होंने माइकल की भी शक्ल देख ली गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी ना मैं बहुत ज्यादा साइड से अपनी गाड़ी को अंदर ला चुका हूँ। और गाइस यार यहाँ पर ना पार्किंग फुल है, मतलब कि सोचो इतने बड़े बड़े पार्किंग के स्लॉट हैं। तो अभी ना एक काम करता हूँ यहाँ पर ना छुप जाता हूँ। तो अभी ना सामने की तरफ एक बंदा खड़ा हुआ है और गाइस यार ये वही वाली कार है, ये देखो येलो एंड ग्रीन, इसी कार की बात कर रहा था शायद से बैनी। बट यार इस कार को यहाँ से ले जाने के लिए ना मुझे कुछ बंदे को मारना पड़ेगा, इसीलिए मैं सप्रेस्ड वाली पिस्टल लाया था। तो अगर मैं डायरेक्टली जाकर वो गाड़ी छेड़ूंगा तो भाई इनको पता चल जाएगा, इसलिए काम करता हूँ एकदम मस्त तरीके से निशान लगा के इसके हेडशॉट बजा देता हूँ। तो अभी ना किसी को भी यहाँ पर
पता नहीं चला है भाई साहब, यहाँ पर इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड है, सामने वाले ने शायद देख लिया, नहीं 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 उसका भी ध्यान नहीं गया है। तो अभी ना एकदम आराम आराम से मैं आगे चलता हूँ, अपनी गन को ना अंदर रख लेता हूँ। तो ओके गाइस यार, अभी ना मेरे को सामने की तरफ में एक बंदा और नजर आ रहा है व्हाइट कलर की टी शर्ट में। और गाइस यार, ये जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है ना, इनको पता है क्या लग रहा है कि वो जो ब्लू कार में बंदा आया था ना, वो अभी भी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है। बड़े यार, यहाँ पर तो मेरे गाड़ी से निकल के इनका एक बंदा भी मार दिया। अब देखो यार, सीधी सी बात, अगर मैं इस गाड़ी को चुरा के यहाँ से निकलूंगा ना, तो ये लोग को पता चल जाएगा यार ये गाड़ी मेरी नहीं है। तो यहाँ से निकलने से पहले ना जितने भी बंदे हैं, एक एक करके ना मुझे चुपचाप से सबको मारना पड़ेगा। तो अभी ना यहाँ पर मैं आकर खड़ा हो चुका हूँ, किसी ने भी मेरे को नहीं देखा। और वो वाला जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसका ध्यान अभी उस तरफ है, तो उसके एकदम मस्त हेडशॉट बजाता हूँ, किसी को नहीं पता चला। बाकी जो गोली चली है ना, उसमें इस बार थोड़ा सा ज्यादा साउंड आया था। बट यार, यहाँ पर जो बाकी सिक्योरिटी गार्ड है ना, उनका ध्यान इस चीज पर नहीं गया। तो अभी ना जल्दी से एक काम करता हूँ, उस तरफ चलता हूँ। अभी यहाँ पर इस वाली वॉल के पास खड़ा हो गया हूँ, अभी इधर की तरफ में कोई नहीं देख रहा, क्योंकि यहाँ पर ना इन्होंने अपना पोजीशन डिवाइड कर रखा है कि इतना एरिया तू देखियो, इतना एरिया मैं देखूंगा। तो अभी ना मेरे को भाग के उस तरफ में जाना है, एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि मेरे को देख सकता है, तो जल्दी से मैं यहाँ पर छुप जाता हूँ। चलो भाई। तो गाइस यार देखो, पीछे की तरफ में जो दो लोग थे ना, उनको तो मैंने मार के खेल खत्म कर दिया। और यहाँ पर राइट में खड़ी हुई है लैम्बोर्गिनी रेवेंटन, और यहाँ पर ना मेरे को लग रहा है कि इनमें से ना किसी ने मेरे को देख लिया है। यहाँ पर ये जो व्हाइट वाला बंदा ना, ये यहाँ पर किस लिए खड़ा? ओ भाई साहब, यहाँ पर मेरे को लग रहा है इसने देख लिया तेरी ऐसे की तैसी। भाई साहब, फुल चोर में मेरे को मारने आ रहा है, और वो वाला जो बंदा ना, उसने भी मेरे को देख लिया। रुक जा रुक जा, इसको एकदम चुपचाप से मारूंगा। यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे ना, सबका बहुत ही बुरी तरह खेल खत्म करूंगा। आ जा आ जा आ जा आ जा, कितनी ज्यादा बढ़िया गाड़ी है ब्लू वाली। और वो वाला जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो भी उधर मेरे को देखने का, तेरी ऐसे की तैसे गंजे निकल यहाँ से। ओ भाई साहब, ये गोली मार देगा मेरे को, एक सेकंड आ जा। तो चलो गाइस यार, यहाँ पर अभी ना फिलहाल जितने भी बंदे थे, एक एक करके मैंने सबको मार दिया। अब जो एक बंदा ना, वो उस वाले पोल के पीछे खड़ा हुआ है। बेटा माइकल से पंगा लेगा, मैं तेरा टकला फोड़ दूंगा, निकल यहाँ से। चलो भाई, बहुत ही बुरी तरह मारा इसको। और यहाँ पर गोली किसने चलाई? एक सेकंड, अच्छा इसी ने मरते गोली चला दी, तेरी ऐसी की तैसी। मर गए तो गोली चलाने का क्या मतलब है? तो चलो गाइस यार, यहाँ पर ना अभी जितने भी बंदे थे, सबको मैंने पकड़ के कूट दिया है। और यहाँ पर ये थी वो गाड़ी, तो जल्दी से मैं इस गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलता हूँ। और एक सेकंड, अभी एक गाड़ी का लॉक क्यों नहीं खुल रहा भाई? ये गाड़ी लॉक है। एक सेकंड, पता नहीं ये क्या होगा, ये वाली गाड़ी का मैं लॉक खोल के देखता हूँ एक बारी, पता नहीं इसका खुल जाए। तो यार देखो, गाड़ी का लॉक तो खुल रहा है, और ये जिस बंदे की गाड़ी है ना, मेरे को लग रहा है उसने कोई तगड़ा ही लॉक इसके अंदर लगवा रखा है। एक काम करता हूँ ना, इसका शीशा तोड़ता हूँ, फिर इसका लॉक खोलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर रुक जाओ, मेरा देसी कट्टा यहाँ पर चलेगा। और शीशा तो मैंने पूरा का पूरा तोड़ दिया है। और यार प्लीज गेट खुल जा भाई, ये गेट खुल क्यों नहीं रहा है? वो वाला गेट ट्राई करता हूँ भाई, ये वाला गेट तो नहीं खुल रहा, वो वाला गेट ट्राई करता हूँ। और गाइस यार, ये वाला गेट भी पूरा पूरा लॉकड है यार, पता नहीं क्या सीन है। अभी ना मुझे कुछ ना कुछ तो तगड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, ये जो गाड़ी है ना भाई, देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है, बट यार इसका लॉक नहीं खुल रहा। और अगर बाय चांस लॉक खुल भी जाता है ना, तो कोई फायदा नहीं है, गाड़ी अंदर से भी लॉक हो सकती है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना जल्दी से मैं बैनी को फोटो खींच के भेजता हूँ इस गाड़ी की, और उससे पूछता हूँ कि आखिरकार इस गाड़ी का लॉक कैसे अनलॉक होगा। तो अभी फटाफट से वाली जो फोटो मैं बैनी को सेंड कर देता हूँ। और यार अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, क्या सीन है भाई, कैसे इस गाड़ी को मैं अपने घर पर लेकर जाऊंगा। तो ओके गाइस यार, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बैनी से पूरी की पूरी बात हो चुकी है। गाइस यार, बैनी ने ना कार की फोटो देख ली, और बैनी कह रहा है कि यही वो गाड़ी है जो कि मैंने देखी थी। बट यार एक ना दिक्कत की बात है कि बैनी भी इस कार का लॉक नहीं खोल सकता, ऐसा बैनी खुद कह रहा है। अब यार पता नहीं क्या सीन है भाई, इस गाड़ी में ऐसा क्या है मेरे को नहीं समझ आ रहा। बट बैनी कह रहा है कि इस कार के अंदर ना बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वो इस कार का लॉक नहीं खोल पाएगा। तो यानी कि हमें इस कार का लॉक खोलने के लिए इस कार की ही चाहिए होगी। तो चलो गाइस यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना जल्दी से मैं चलता हूँ डायमंड कैसीनो के अंदर। अब यार देखो, इतने बड़े डायमंड कैसीनो में मैं कहां पर इस कार की चाबी ढूंढूंगा। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल लिफ्ट में बैठकर मैं डायमंड कैसीनो के टॉप फ्लोर पर आ चुका हूं, यानी कि पेंट हाउस में। और आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो कितना ज्यादा तगड़ा नजारा है। तो एक काम करता हूं, अभी ना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी चलते हैं पेंट हाउस के अंदर। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, फाइनली मैं पेंट हाउस के अंदर एंटर हो गया। और गाइस यार लिटरली बता रहा हूं, मैं आज तक कभी पेंट हाउस नहीं आया हूं डायमंड कैसीनो के, ट्रेवर आते रहता भाई, मुझे नहीं मालूम। तो यहां पर ना देखो, एक रास्ता जा रहा है और यहां पर एक बाउंसर खड़ा हुआ है, तो अभी मैं इधर नहीं जाने वाला। और जो दूसरा रास्ता, ये तो जा रहा है रूफ टेरेस के लिए। तो एक काम करता हूं, इस वाले रास्ते पर अंदर चलकर देखता हूं। गाइस यार आगे से ना म्यूजिक का साउंड आ रहा है, और यहां पर ये पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। तो इस तरफ में ना एक वॉल्ट जैसा गेट है। तो ओ भाई साहब, ये क्या चीज है भाई, मतलब कि यार देखो, डायमंड कैसीनो का जो पेंट हाउस है ना भाई, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और देखो, मैं ना पहले यहां पर आया था, वो काफी टाइम पहले आया था, छोटा सा मेरे को कोई काम था, तो उस टाइम भी शायद से कोई गाड़ी चुरानी थी, तो यहीं पर मैं आया था पहले भी। बट अंदर आज मैं पहली बार आ रहा हूं, तो यहां पर यहां चलते हैं भाई, ये क्या बढ़िया है। और यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कितना ज्यादा बढ़िया एरिया इन्होंने टीवी देखने के लिए बना रखा है। तो गाइस यार, आगे की तरफ से ना मेरे को म्यूजिक बजने का साउंड आ रहा है, तो अभी ना वहां पर भी चलेंगे। बट वहां पर जाने से पहले ना मुझे पीछे की तरफ में एक सीक्रेट गेट दिखा है, इसके अंदर चलकर देखते हैं। मतलब कि यार ये एक ना नॉर्मल सी वॉल है, बट यार यहां पर एक गेट भी इन्होंने बना रखा है, तो इसके अंदर चलता हूं। ओके ओके सॉरी गाइस, यार ये तो ऑफिस है, मैं ऑफिस में बेमतलब में आ गया हूं भाई। देखो अभी ना मेरे को इतना मालूम नहीं है पेंट हाउस के बारे में, बट यार मैं पहली बार आया हूं, तो फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा हूं। तो अभी ना जल्दी से मैं आगे चलता हूं जहां पर म्यूजिक बजने का साउंड आ रहा है। तो यहां पर जो म्यूजिक है वो, ये कौन सा रूम है, एक सेकंड, अच्छा ये तो सॉरी वॉशरूम है। तो भी फटाफट यहां से मैं बाहर निकलता हूं, और इस तरफ में ना एक छोटा सा गेट और है, और ये क्या चीज है, शायद से ना यहां पर
स्पा वगैरह होता है, क्योंकि यहाँ पर ना काफी सारे टॉवल्स रखे हुए हैं। तो अभी ना जल्दी से अंदर चलता हूँ। और गाइस यार, ये वो जगह जहाँ पर म्यूजिक बज रहा है और इधर चल रही है जबरदस्त पार्टी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। मेरे को पता था पार्टी चल रही होगी, क्योंकि भाई डायमंड कैसीनो में ना पूरे में पार्टी पार्टी चलती है। नीचे की तरफ में बंदे अपना सट्टा लगाते हैं और ऊपर आकर यहाँ पार्टी करते हैं। तो चलो गाइस यार, यहाँ पर ना अभी फिलहाल सारे के सारे बंदे अपना ना पार्टी शार्टी करने में फुल मस्त हो रखे हैं। तो यार मेरे को ना अभी मेन काम करना है, यानी कि उस बंदे को ढूंढना है जिस बंदे के पास वो गाड़ी की चाबी है। अब यार देखो, एक एक बंदे को तो मैं मार के पूछूंगा नहीं कि भाई मेरे को अपनी गाड़ी की चाबी दो जो नीचे खड़ी करी है ग्रीन और येलो वाली। तो कि गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं भी एक कोने में आकर बैठ चुका हूँ। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार वो जो कार की चाबी है मुझे कैसे मिलेगी। मतलब गाइस यार, यहाँ पर अगर तीन चार बंदे होते ना तो मैं सबसे पूछ लेता, बट यार यहाँ पर अभी ना इतना सारा क्राउड है, मैं किस किस से पूछूंगा उस कार की चाबी के बारे में। तो गाइस यार, वैसे मेरे पास ना एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आइडिया है। मतलब ये जो यहाँ का बारमैन है ना, मैं इससे पूछता हूँ कि आखिरकार सबसे ज्यादा अमीर बंदा यहाँ पर कौन है। तो कि गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मेरी बारमैन से बात होगी। मैंने बारमैन से बात करके उससे ये पूछ लिया कि आखिरकार यहाँ का सबसे अमीर बंदा कौन है जो कि सबसे ज्यादा पैसा लगाता है। भाई इसको क्या हो गया भाई, एक सेकंड, ये इसने कुछ ज्यादा पी लिया है। तो गाइस यार देखो, बारमैन मुझे ये कह रहा है कि यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना, सारे के सारे बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन इनमें से एक बंदा ऐसा है जिसके पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो इन सबके साथ पार्टी नहीं करता, वो अपनी अलग प्राइवेट रूम लेता है, वहां पर पार्टी करता है। तो ये कह रहा है अगर वो होगा तो पीछे अपना स्पा करवा रहा होगा, वरना वो सामने की तरफ चले जाना, उसका एक पर्सनल रूम है, वहां पर वो पार्टी करता है आकर हमेशा। तो भी जल्दी से ना आगे चलकर मैं देखता हूँ। वैसे ना यहाँ पर गाइस और बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, इधर फिलहाल अभी कोई स्पा तो नहीं करवा रहा, और स्पा करने का एरिया ये है। तो एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर अगर कोई नहीं है तो सीधी सी बात है वो फिर होगा अपने पर्सनल रूम में। तो उसने कहा था कि उसका पर्सनल रूम सामने की तरफ में है। बाकी यार ये जो डायमंड का सीन है ना, इतना ज्यादा बड़ा है भाई, पूछो मत। यहाँ पर ये तो पर्सनल रूम नहीं है, ये तो यार सीधी सी बात है टीवी देखने का एरिया यहाँ पर इन्होंने बना रखा है। और यार ये वाले एरिया में शायद से प्राइवेट पार्टी चल रही थी, इसमें मैं गया था, तो अभी इधर की तरफ में नहीं जाना। शायद से जहाँ पर बॉडी गार्ड था ना, ये मतलब बाउंसर, मेरे को लग रहा है इसी के अंदर वो होगा। तो बाउंसर साहब, मैं अंदर जा सकता हूँ क्या? मेरे को पता है तेरी शक्ल मना कर रही है, तेरी ऐसे कि तैसे निकल यहाँ से, माइकल को नहीं जानता क्या? तो गाइस यार देखो, सीधी सी बात है, अगर अभी जो भी माइकल से छोड़ा होगा ना, सीधा चाकू घुसेड़ दूंगा पेट में। तो अभी ना एकदम आराम आराम से मैं आगे चलता हूँ। मेरे को लग रहा है वो जो बंदा है ना, वो 100% यहीं पर होगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक बॉडी गार्ड और खड़ा है, और यहाँ पर मेरे को ना जाने से अंदर मत रोकियो, ठीक है? बेचारा एक घुसे में लटके, ओ अच्छा जी, जान है तेरे अंदर, तेरी ऐसे की तैसी, यहाँ पर ज्यादा बदमाश बनेगा। इधर इधर है, मेरे पत्थर पे हाथ लग गया मेरा, इधर आप भिड़ा, तेरी ऐसे की तैसी। अब बोल फालतू, बहुत देर से चोना हो रहा है यहाँ पर, अभी जब आराम से कह रहा हूँ पिट ले मेरे से, मेरे को अंदर जान दे, बट इसको समझ नहीं आ रहा है। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना मैंने इसको मार मार के इसका भूत बना दिया, लेकिन इसके अंदर जान बहुत है। और इधर से दूसरा आ गया, चल तेरी ऐसे की तैसी गंजे भाई साहब, इसको दूसरे वाले को तो बहुत बुरे वाला मारा। अब छोड़ा हो, इतनी देर से मैं मजाक कर रहा हूँ, तो भाई साहब अपने आप को बदमाश बन रहा है। इधर इसके ऐसा रख के घुसा मारूंगा ना अभी मैं, इतनी तेज की निकल यहाँ से भाई साहब। यहाँ पर ये वाला जो था गंजे के, तो एक चाकू बहुत तेज लग गया पेट में। और यहाँ पर ये बहुत देर से चोड़ा हो रहा है, जब तेरे को मना कर रहा हूँ कि इतना चोड़ा मत हो, फिर भी हो रहा है। इसके मेरे को लग रहा है ना अभी कट्टा बजाना ही पड़ेगा। अब चोड़ा हो, भागने की कोई जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं, तेरी ऐसी की तैसी, इसको पकड़ के मारूंगा मैं। पता भी ना गन नहीं चला सकता, क्योंकि अगर मैंने गन चला दी ना तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अबे वहां मत जा, सबको पता चल जाएगा, तेरी ऐसी की तैसी, रुक यहाँ पर भाई साहब, ये वहां पर भाग कर जा रहा है। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना इस बॉडी गार्ड को मैं मारते मारते अंदर ले आऊँ। और यार यहाँ पर ना मैं गोली बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहता। और यहाँ पर इसको क्या हो गया भाई, एक सेकंड, तू अपना पार्टी में डांस कर रही थी, डांस करना, यहाँ मेरे से क्यों चोरी हो रही है? तुम्हारी ऐसी की तैसी, गाना बंद करो, मेरे इसने गुस्सा कैसे मारा, निकलो यहाँ से। भाई साहब मैंने इसे कुछ कहा नहीं, पूरी बेमतलब में चोरी हो रहा, भागो सब, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं अपना नॉर्मल लड़ता हूँ, मेरे गुस्सा कैसे मारा, तू ज्यादा मस्त ना डांस करने में, निकल यहाँ से। नहीं भाई साहब, आज के टाइम पर इतने बड़े बड़े गैंगस्टर माइकल को देख के ही डर जाते हैं, और जहाँ तक कि गैंग के बॉस भी इसके ऊपर हाथ नहीं उठाते। बट यार यहाँ पर इस लड़की ने आकर हाथ उठाया कैसे, तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। भाई बेमतलब में क्यों मारा, मैं जब उस बाउंसर से लड़ रहा हूँ तो भाई ये पता नहीं क्यों आकर अपने आप को प्रधान बन रही थी। तो अभी ना फिलहाल यहाँ पर जितने भी बंदे यहाँ पर अपना पार्टी वार्टी कर रहे थे, इनको मैं मारना नहीं चाहता था, बट यार इन्होंने पहले हरकत करी इसलिए मुझे मारना पड़ा। तो अभी ना जल्दी से मैं सीधा उस वाले रूम में चलता हूँ जहाँ पर बाउंसर थे। अभी ना फटाफट, तेरी ऐसी की तैसी, हट यहाँ पर साइड। भाई जब मैं सीधा आगे जा रहा हूँ तो मेरे से आकर भिड़ने का क्या मतलब है? तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से यहाँ पर मैं अंदर चलता हूँ। गाइस राइट साइड में ना एक बेडरूम और है, तो पहले मैं इसके अंदर चलता हूँ। ये वाला गेट क्यों नहीं खोला, तुम्हारी ऐसी तैसी, गेट खोलो, गेट कितने लॉक कर रखा है? तो यार यहाँ पर कोई तो था जिसने गेट को धक्का मार रखा था, बट यार मेरे को कोई भी नजर नहीं आ रहा। तो पता नहीं भाई, कोई तो मेरे को लग रहा है यहाँ पर था। तो यहाँ पर ना गाइस यार एक रूम अंदर की तरफ में और है, तो यहाँ पर चलते हैं। फिलहाल ये तो कपड़े चेंज करने का रूम है। और भाई साहब आपको क्या हुआ, वहां से भाग कर इधर किस लिए आया? तो ये वही बारमैन है। और गाइस यार वो देखो अंदर की तरफ में, यहाँ पर दो लोग लेटे हुए हैं। और गाइस यार शायद से, ओ भाई बॉडी गार्ड, तेरी ऐसे की तैसे, निकल यहाँ से। भाई बेमतलब में तुम्हारे बंदों ने मेरे को क्यों मारा, अभी फटाफट यहाँ से तुम लोग निकलो। और सर सर सर, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो देख भाई सीधी सी बात है, मैं तेरे को कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, ठीक है? बस तू मेरे को अपनी गाड़ी की चाबी दे दे, बाकी देखने में तो काफी ज्यादा बंदा अमीर लग रहा है। और मैम आप भी शांत बैठे रहना, और गंजे तू निकल, तू कुछ भी करके जिंदा मचाई हो, निकल यहाँ से
पहली फुर्सत में और उठने की कोई जरूरत नहीं, वरना ऐसी गोली मारूंगा ना यही बेहोश हो जाएगा। तो अभी ना यहाँ पर गाइस एक अंदर की तरफ में काफी ज्यादा बढ़िया सा रूम है और यहाँ पर ये सोने के लिए बेड लगा रखा है। भाई ये क्या साहब है भाई, कितना ज्यादा तगड़ा यहाँ पर इनका बाथरूम है। अभी थोड़ा सा और अंदर मैं चलकर देखता हूँ, यहाँ पर पता लगे इन्होंने गुंडे भर रखे हो। तो फिलहाल ये तो पोर्ट है और ये गोल्ड का लगा रखा है और सामने टीवी है। भाई साहब क्या ही कितना तगड़ा है भाई यार ये डायमंड के सीन हो। तो अच्छा हुआ कि ये भागा नहीं, वैसे भाग कर जाएगा कहाँ। अभी ना चारों तरफ से लॉक कर दिया है। तो कि गाइस अभी ना मैंने इसको बोला कि अगर तूने मेरे को अपनी गाड़ी की चाबी नहीं दी ना तो मैं तेरी वाइफ को मार दूंगा। तो ये कह रहा है कि जो मेरी गाड़ी की चाबी है सामने टेबल पर ही रखी है और वो जो ग्रीन और येलो वाली सुपर कार है वो इसी की है। तो बट यार एक दिक्कत है, इसने ना गाइस मेरी शक्ल देख लिया तो मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ इसको मार दूं, बट यार ये काफी ज्यादा ना बढ़िया बंदा है तो इसको मारने का कोई फायदा नहीं है। जल्दी से गाड़ी की चाबी लेकर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने टेबल से गाड़ी की चाबी उठा ली और मैंने इसको बोल दिया कि अगर तूने ये बात किसी को भी बताई कि गाड़ी जो है मैंने चुराई है तो मैं सीधा इसको वहीं पर मरवा दूंगा और साथ में इसकी वाइफ को भी मरवा दूंगा। तो जल्दी से ना मैं इसकी और इसकी वाइफ की फोटो जो है यहाँ पर कैप्चर कर लेता हूँ ताकि मेरे को बाद में याद रहे, और अगर इसने मेरे को भाई पंगे लेने की कोशिश करी तो सीधी से बात है ये तो मरेगा ही, साथ में इसकी वाइफ भी मरेगी। तो फटाफट से भी ये वाली जो फोटो मैं सेव कर लेता हूँ। और वैसे भी इसको पता चल चुका है कि जो बंदा है ना ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि भाई सीधा देसी कट्टे से मैं वार कर रहा हूँ तेरी ऐसे से निकल यहाँ से, पूरी गोली गोली चलाकर यहाँ से मैं बाहर निकलने वाला हूँ क्योंकि अभी गाड़ी तो मेरे को मिली चुकी है। बट यार ऐसा ना हो कि बाहर बहुत सारी पुलिस मेरा इंतजार कर रही हो, तो अभी ना बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना, जल्दी से यहाँ से मैं एग्जिट हो जाता हूँ लिफ्ट से। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल लिफ्ट में बैठकर मैं नीचे वाले फ्लोर पर आ चुका हूँ। तो जल्दी से ना यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ और गाइस यार मुझे गाड़ी की चाबी मिल गई है। तो जल्दी से ना अभी बिना किसी देरी के मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और गाइस यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो गाड़ी की जो लुक है ना वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, मतलब कि पूरी पूरी रोबोटिक कार है। तो अभी ना जल्दी से यहाँ पर मैं इस गाड़ी को लेकर निकल लेता हूँ। बाकी यार ये जो कार के अंदर एग्जॉस्ट लगे हुए हैं ना भाई ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त साउंड है इसका। तो बिना फटाफट मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ पर गैराज से बाहर निकाल लिया। बाकी यार गाड़ी के जो लुक है ना भाई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रही है। तो अभी ना गाइस यार बिना किसी देरी के यहाँ से मैं इस गाड़ी को लेकर निकल लेता हूँ। अब यार देखो गाड़ी की लुक तो है ही अच्छी, बट साथ में यार गाड़ी का साउंड भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो बिना किसी देरी के मैं जाने वाला हूँ सीधा हाईवे पर और वहां पर ना इस गाड़ी की मैं मैक्स स्पीड टेस्ट करूंगा। वैसे अगर मैक्स स्पीड टेस्ट करने के चक्कर में अगर किसी गाड़ी से टक्कर होगी या फिर कोई तगड़ा एक्सीडेंट हो गया ना तो जितने की गाड़ी चुराई उससे ज्यादा का नुकसान हो जाएगा। गाइस यार देखो मुझे ना इस गाड़ी को तेज स्पीड में चलाने से ज्यादा कम स्पीड में चलाने में मजा आता है, क्योंकि ये देखो मतलब कि अगर सामने कोई गाड़ी आती है ना तो इतने बढ़िया तरीके से ये जो कार है कटिंग्स मारती है, मतलब यार देखने में मजा सा आ जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख ही पा रहे हो अभी कि मैं लॉस सैंटोस पहुंच चुका हूँ। तो जल्दी से ना यहाँ पर अपनी गाड़ी को मैं हाईवे वाले फ्लाईओवर से नीचे उतारता हूँ और सीधा निकल लेते हैं माइकल के घर के लिए। वैसे इस गाड़ी को मैं माइकल के घर पर नहीं खड़ा करूंगा। तो गाइस यार मैंने सोचा था कि जो लैम्बोर्गिनी है वो मैं शोरूम में खड़ी करूंगा और यार मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा लैम्बोर्गिनी से आने को, मैं माइकल के घर पर खड़ा कर आ गया हूँ। चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, पुलिस वगैरह आएगी तो ही खतरा है, बाकी यार सिक्योरिटी गार्ड तो है वो लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो एक काम करता हूँ ना जल्दी से यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर चलता हूँ नीचे और यहाँ पर सीधा इसको ले जाकर मैं खड़े करने वाला हूँ ऑफिस में। और यहाँ पर यार मैं थोड़ा सा गलत आ गया, एक काम करता हूँ सीधा अपनी गाड़ी लेता हूँ। यहाँ पर आगे वाले फ्लाईओवर से ना मेरे को अपनी गाड़ी को ऊपर चढ़ाना है, फिर उसके बाद सीधा राइट में करके नीचे खड़ा कर देना है। तो गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते वापस से आ चुका हूँ सीधा अपने शोरूम में। तो जल्दी से काम करता हूँ, पहले अपनी गाड़ी को नीचे पार्किंग में एंटर करवाता हूँ, फिर उसके बाद लिफ्ट से लेकर चलेंगे सीधा अपने शोरूम के अंदर। बाकी यार यहाँ पर ना एक बार गाड़ी को मैं अपनी साइड में खड़ा करता हूँ और यहाँ पर गाइस यार इसकी आप लोग लुक देखो, मतलब इसका हॉर्न वगैरह भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है और जो गाड़ी का साउंड है वो तो और भी ज्यादा बढ़िया है। और अगर मैं गाड़ी को अंदर से देखूँ तो भाई साहब गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है देखने में। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो अपनी कार है ना भाई देखने में मेरे को तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रही है, मतलब ये जो कार है ना थोड़ी सी रोबोटिक लुक की है, मतलब कि यार इस कार को ना थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन करा गया है। यहाँ पर इसके चारों टायर में डिस्क ब्रेक लगी हुई है और यहाँ पर इसका ये वाला गेट खुला रहेगा। तो चलो गाइस अभी ना बिना किसी देरी के यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर चलता हूँ सीधा अपने शोरूम में। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी को नीचे शोरूम में रखवा दिया और बैनी कह रहा है वो उसको और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से मॉडिफाई कर देगा। और गाइस अभी ना मेरे को अंडरवाटर माफिया का फोन आया था, वो कह रहा है कि भाई वो ना माइकल ट्रेवर फ्रैंकलिन सबके घर पर मुझे ढूंढ रहा है, बट यार यहाँ पर मैं अपना डायमंड का सीनों में था फिर मैं यहाँ पर आ गया। तो वो कह रहा है कि ना तुम जल्दी से मेरे पास आओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो मैंने उसको कॉल करके बोल दिया कि मैं शोरूम में हूँ, जल्दी से अपने घर पर पहुंच रहा हूँ, वहां पर आ जाओ। तो चलो गाइस अभी ना बिना किसी देरी के मैं वहां पर निकल लेता हूँ। ये कौन है भाई साहब, एक सेकंड इसकी ऐसी की तो ऐसी, इतना बुरा मारूंगा इसको, बाहर निकल गाड़ी से तेरी ऐसी की तो ऐसी। ओ तेरी, ये तो अंडरवाटर माफिया, बे भाई साहब पागल हो गया क्या, रुक जा मैं ही हूं माइकल, भाई ये क्या कर रहा है। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर अंडरवाटर माफिया से पूरी की पूरी बात हो चुकी है और गाइस ये एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी न्यूज लेकर आया। तो भाई साहब इसने ना यहीं पर लॉस सैंटोस में बिग माफिया के बेटे को देखा है, मतलब यार आपको पता होगा काफी टाइम पहले हम लोग उसे छोड़कर आ गए थे क्योंकि यार लेस्टर को बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मैंने क्या करा था ना उसके पूरे के पूरे सीक्रेट बेस में आग लगा दी थी, मुझे लग रहा था कि अंदर काफी ज्यादा
बारूद होगा और ऐसा कुछ हो सकता है कि पूरा का पूरा बेस जो है ब्लास्ट हो जाए और उसी के अंदर बिग माफिया का बेटा भी मारा जाए। बट यार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि जो बिग माफिया का बेटा है वो अभी भी जिंदा है। तो गाइस अभी ना अंडरवाटर माफिया ये कह रहा है कि जो बिग माफिया का बेटा है ना उसके साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी है, तो अगर हम लोग वहां पर डायरेक्टली जाकर उसके मारने की कोशिश करते हैं तो सीधी सी बात है वो बचकर वहां से भाग जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें मार दे। तो हमें ना पहले कोई बहुत ही तगड़ा प्लान बनाना पड़ेगा उसके सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग को तो पता ही होगा कि काफी टाइम पहले ना हमारे पास एक बहुत ज्यादा तगड़ी व्हीकल थी जो कि पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ थी, बैनी ने हमारे लिए मॉडिफाई करी थी। तो अभी ना उस गाड़ी को मैंने ना जब पुलिस वालों से बचकर भागा था तो एक जगह पर ना छुपा कर खड़ा कर दिया था। अभी ना जल्दी से मैं उस जगह पर चलता हूं। तो गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक को भगाते उसी वाले एरिया में लेकर आ चुका हूं जहां पर मैंने शायद से अपनी गाड़ी को खड़ा करा था। अब यार देखो ये तो जगह है ना मेरे को अगर नहीं भी मिली तो लेस्टर से मैं पूछ लूंगा, उसको अच्छे से याद है। तो अभी ना फटाफट से इस वाली गली के अंदर चलते हैं। और हां गाइस ये वही वाली गली है, अब मुझे अच्छे से याद आ गया। तो अभी ना जल्दी से मैं इस गली के अंदर चलता हूं। बाकी यार यहां पर मेरी गाड़ी कहां पर खड़ी थी वो मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। और यहां पर ना दो तीन लोग हैं, इनको मारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इन लोगों ने वो गाड़ी को देख लिया ना तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस यार यहां पर ना एक गली राइट में है, बट यार इस वाली गली के अंदर मैंने अपनी गाड़ी को नहीं खड़ा करा था जहां तक मुझे याद आ रहा है। नहीं नहीं यार ये वो वाली गली नहीं है, वो गली ना थोड़ी अलग सी थी और थोड़ी खाली सी थी। तो यहां पर हम लोग रुके थे और हां गाइस इसके सामने वाली गली में अपनी गाड़ी को खड़ा करा था। तो बिना जल्दी से मैं उस वाली गली के अंदर चलता हूं। और गाइस यार यहां पर आप लोग देख पा रहे हो ये खड़ी अपनी गाड़ी। तो बिना जल्दी से बिना किसी देरी के मैं इस गाड़ी में बैठता हूं और ना अभी फटाफट से मैं ट्रेवर और फ्रैंकलिन को भी फोन करके बोल देता हूं कि जल्दी से आ जाओ, बिग माफिया का बेटा हमें मिल चुका है। और गाइस यार देखो उसको मारना ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम लोगों ने बिग माफिया के बेटे को एक बार ही मार दिया ना तो भाई फिर ना बहुत ज्यादा बढ़िया सीन हो जाएगा। फिर मतलब कि हमारा कोई भी दुश्मन नहीं बचेगा लॉस सैंटोस में और हमें ना किसी से भी डरने की बात नहीं रह जाएगी। तो गाइस यार देखो अभी ना अपना सबसे बड़ा दुश्मन है बिग माफिया का बेटा और उसके बाद लॉस गैंग। और अभी ना मैंने फ्रैंकलिन और ट्रेवर को भी फोन करके बोल दिया कि जल्दी से फ्रैंकलिन के घर पर ही पहुंच जाओ दोनों के दोनों, वहीं पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर आ रहा हूं और वहां पर हम लोग चारों इकट्ठे होंगे और फिर उसके बाद जाएंगे बिग माफिया को बेटे को मारने। और गाइस यार अभी ना मैं बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता। तो गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते हुए पहुंचने वाला हूं सीधा फ्रैंकलिन के घर पर। और अभी ना ये देख लो यहां पर दोनों भी खड़े हो, तो जल्दी से भाई गाड़ी में बैठो, अभी ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है भाई जरा सा भी। तो गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ट्रेवर फ्रैंकलिन एंड अंडरवाटर माफिया यानी कि हम लोग चारों एक ही गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना जल्दी से बिना किसी देरी के मैं निकल लेता हूं सीधा बिग माफिया के बेटे को मारने के लिए। और आप लोग अभी ना मेरे अंदर जोश देख पा रहे हो कितना ज्यादा, और यहां पर अभी देखो भाई मैं गाड़ी कितनी ज्यादा तेज चलाने वाला हूं, मतलब कि ना भाई अभी मैं कहीं पर भी ब्रेक नहीं मारूंगा। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से बिना किसी देरी के मैं निकल लेता हूं सीधा बिग माफिया के बेटे को मारने के लिए। अब यार देखो मैं नहीं चाहता कि वो ना हमारे हाथ से इस बार भी निकल जाए, लास्ट टाइम तो वो बच गया था, बट यार इस बार मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूं। तुम्हारी ऐसी की ऐसी गाड़ी हटाओ भाई साहब, अभी मैं ना बहुत ज्यादा गुस्से में हूं और अभी ना मैं ब्रेक बिल्कुल भी नहीं दबाने वाला और सीधा जाऊंगा बिग माफिया के बेटे के पास। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते उसी वाले एरिया में आ चुका हूं जहां पर बिग माफिया का बेटा आया हुआ है। अब अंडरवाटर माफिया ने तो मुझे यही लोकेशन बताई थी और साथ में उसने कहा था यहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी है। तो गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो इतनी सारी गाड़ियां हैं और साथ के साथ उतनी सिक्योरिटी गार्ड है, और अगर इन लोगों ने मेरी ग्रीन वाली गाड़ी देख ली ना तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी को एकदम साइड से ले जाने वाला हूं ताकि ये लोग ना देखें। तो गाइस यार अभी ना मेरे पास एक बहुत ज्यादा जबरदस्त आइडिया है। तो गाइस यार देखो अभी ना एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि जो बिग माफिया का बेटा है ना वो इसी बिल्डिंग के अंदर है, बट यार मुझे ना एक चीज समझ नहीं आ रही कि मैं इस बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा कहां से। अगर मैं फ्रंट गेट से अंदर जाता हूं तो सीधी सी बात है जो उसके सोल्जर्स हैं यानी कि जो उसके सिक्योरिटी गार्ड है वो मेरे को देख लेंगे और फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और यहां पर ना मुझे अंदर जाने का कोई ना अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यार मैं ना अंदर अपनी गाड़ी भी ले जाना चाहता हूं ताकि अगर ये लोग मेरे को गोलियां मारे तो हमारे को कोई भी डैमेज ना पहुंचे। तो ओके गाइस यार अभी ना सीधी सी बात है बिग माफिया के बेटे को मारने के लिए ना मुझे बहुत ज्यादा तगड़ा प्लान बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ना मुझे उसकी बिल्डिंग के अंदर एंटर होना है और उसके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है ना उनको मारना है, और जितनी भी उसके पास गाड़ियां ना वो गाड़ी सारी की सारी मैं पंचर कर दूंगा ताकि वो यहां से भूल कर भी भाग ना पाए। और अगर बिग माफिया के बेटे को मालूम पड़ता है ना कि माइकल यहां पर आया तो इस टाइम पर तो सीधी सी बात है डर कर भागने वाला है क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे पंगा ले। तो बिना जल्दी से मैं चलता हूं सामने की तरफ में। यहां पर ना जो बिल्डिंग है ना अभी इस फ्लाईओवर से मैं शायद से इस बिल्डिंग के अंदर जा सकता हूं, और यहां पर ना सामने की तरफ में फ्लाईओवर थोड़ा ऊंचा है तो वहां पर चलकर देखते हैं क्या सीन है। और भाई ये ट्रक वाले को ज्यादा जल्दी तू चले जा, पहले तू चले जा, और भाई साहब यहां पर से ना उनको व्यू मिल सकता है और अगर उन लोगों ने मेरे को देख लिया ना तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो बिना जल्दी से यहां पर अपनी गाड़ी को मैं धीरे धीरे भगाकर आगे चलता हूं। और गाइस यार यहां पर आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो बिग माफिया का बेटा ना मेरे को यहीं से दिख रहा है। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो जो बिग माफिया का बेटा है ना वो मेरे को यहीं से नजर आ रहा है, बट यार एक ना दिक्कत की बात है कि मैं इसे मार नहीं सकता क्योंकि यार देखो सामने की तरफ में ना बुलेट प्रूफ ग्लास है। अब मुझे मालूम नहीं है कि ये ग्लास बुलेट प्रूफ है या फिर नॉर्मल वाला है, बट यार देखो अगर बाय चांस वो ग्लास बुलेट प्रूफ हुआ या फिर ऐसा हुआ कि मैंने गोली चला दी और बिग माफिया का बेटा नहीं मरा तो फिर यार वो डायरेक्टली यहां से भाग जाएगा और फिर बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी ना मुझे कुछ भी करके उसके पास तक पहुंचना है और वहां पर जाकर उसे मारना है। तो जल्दी से ना एक काम
करता हूँ, पहले तो ना मुझे इसके जितने भी बॉडी गार्ड है ना उनको मारना पड़ेगा ताकि यहाँ से भूल कर भी भाग ना पाए। तो एक बार ना इस तरफ में चलता हूँ और यार यहाँ से ना अंदर जाने की एंट्रेंस मेरे को मिल जाएगी। एक सेकंड, ये जो जगह है मेरे को थोड़ी तगड़ी सी लग रही है, काश यार यहाँ से मैं अंदर एंटर हो जाऊँ। अगर मेरी गाड़ी यहाँ पर चढ़ गई ना तो बहुत सही सीन रहेगा। वैसे अगर गाड़ी ना भी चढ़े ना तो मैं बहुत ज़्यादा आराम से यहाँ पर अंदर एंटर हो सकता हूँ। अपनी गन को मैं अंदर रख लेता हूँ और गाइस यार यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी है, तो अभी जल्दी जल्दी से एक एक करके सारे के सारे अंदर आ जाओ। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी हम चारों लोग यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले ना मुझे बिग माफिया के बेटे को नहीं मारना, सबसे पहले उसके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे ना मैं उनको मारूंगा ताकि वो लोग ना गाड़ियाँ लेकर यहाँ से भागे ना। तो मेरे पास ना जो मेरी M416 है उसके अंदर सप्रेसर लगा हुआ है, बट यार यहाँ पर ना काफ़ी सारे बंदे और हैं जो कि मेरे को देख सकते हैं और भाई नीचे गिर जाऊंगा आराम से। तो अभी ना मैं यहाँ पर ये जो काम है मेरे को अकेले करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग चारों जाएंगे तो वो लोग किसी न किसी को देख लेंगे। तो तुम एक काम करो, तीनों के तीनों यहीं पर रखो, मैं अकेले वहाँ पर होकर आता हूँ और सीधा उनके जितने भी बॉडी गार्ड है ना उनको भी मारूंगा और साथ में उसकी गाड़ी का टायर भी पंचर करके आऊंगा जल्दी से। तो गाइस यार देखो सीधी सी बात है, जो मेरी M416 है ना इसके अंदर सप्रेसर लगा हुआ है, तो यार मुझे ना वहाँ पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ ना, इस जगह पर चढ़ता हूँ और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर इन सभी लोग को मैं मारूंगा। सबसे पहले ना मुझे ये वाली सीढ़ी चढ़नी है और यहाँ पर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ना एकदम टॉप फ्लोर पर जाना है और वहाँ पर जाकर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड नीचे खड़े हैं उनको अपनी M416 में सप्रेसर लगा के स्कोप खोल के सबको मार दूंगा ताकि जो बिग माफिया का बेटा है वो भूल कर भी यहाँ से भाग ना पाए। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मैं फाइनली अब जाकर जो है ऊपर आ चुका हूँ और गाइस यार यहाँ से उसकी जितनी भी गाड़ियाँ थी ना उनका मेरे को बहुत ज़्यादा तगड़ा व्यू मिल रहा है। तो बिना एक एक करके यहाँ पर जितने भी बंदे थे सबको मैं मारने वाला हूँ। सबसे पहले ना मैं अपना स्कोप खोल लेता हूँ ताकि मेरे को ना ढंग से एकदम एंगल मिले। तो यहाँ पर एक बंदा ये रहा, सबसे पहले मैं मारूंगा इसको, किसी को नहीं पता चलेगा। काफ़ी ज़्यादा ऊपर से मैं सप्रेसर लगा के मार रहा हूँ, अपना बेचारे गलती से गोलियाँ चला रहे हैं पर किसी को भी पता नहीं चल रहा कि आखिरकार इनकी गोलियाँ पड़ कहाँ से रही है। तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है ना कि कोई मेरे ऊपर गोली चला रहा है, तो इसको मैंने मार दिया। ये बंदा बचा, तू भी निकल बेटा पहली फुर्सत में। और गाइस यार यहाँ पर जितनी भी गाड़ी है ना सब गाड़ियों के ना गाइस मैं आगे वाले टायर पंचर कर देता हूँ ताकि ये जो है ना यहाँ से बिल्कुल भी भाग ना पाए। तो ये वाला टायर भी पंचर कर दिया और किसकी गाड़ी ये वाली है तो इसका भी टायर मैं जल्दी से पंचर कर देता हूँ। यहाँ पर इस गाड़ी के मैंने 3 टायर पंचर कर दिए हैं और गाइस यार अभी बहुत सही सीन है, सारी गाड़ी के टायर पंचर कर दूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो दूसरी गाड़ी में बैठ कर भाग जाए। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैंने इसकी गाड़ी के सारे टायर पंचर कर दिए हैं और गाड़ी के ना सारे के सारे शीशे वीशे भी तोड़ डाले हैं। तो अभी ना गाइस जो अपना मेन काम था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, अभी ना जल्दी से मैं यहाँ से नीचे निकल लेता हूँ। और ना गाइस सबसे अच्छी ये बात है कि किसी को भी पता नहीं चला कि आखिरकार सीन हुआ क्या है। तो अभी ना बिना किसी देरी के मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ और अभी ना चारों के साथ मैं जाने वाला हूँ सीधा इसको मारने के लिए। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं भागते भागते अंडरवाटर माफिया एंड ट्रेवर फ्रैंकलिन के पास वापस आ चुका हूँ और गाइस यार अभी ना मैं इनको जल्दी से पूरा का पूरा प्लान डिस्कस कर देता हूँ। तो ओके गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इन तीनों को पूरा का पूरा प्लान बता दिया। तो गाइस यार मैंने ना फ्रैंकलिन और अंडरवाटर माफिया को ये बोला है कि तुम दोनों क्या करो, जो बिग माफिया के बेटे की सारी गाड़ी है ना वहाँ पर जाकर बैठ जाओ, क्योंकि यार देखो जैसे हम लोग बिग माफिया के बेटे को मारने के लिए अटैक करेंगे ना तो वो सीधा अपनी गाड़ियों के पास आएगा बैठने के लिए और जैसे ही वो अपनी गाड़ियों पर आएगा तो फिर ये दोनों जो है सीधा उसको मार के उसका खेल खत्म कर देंगे। तो ये अपना पूरा का पूरा प्लान है। तो अभी ना यहाँ पर इन तीनों को मैं यहाँ पर बुला लेता हूँ, ट्रेवर को मैं अपने साथ ले जाने वाला हूँ बिग माफिया के बेटे को मारने के लिए। तो चलो गाइस यार तुम दोनों जाकर वहां पर बैठ जाओ। तो ओके गाइस यार, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना मैंने अंडरवाटर माफिया और फ्रैंकलिन को जो है यहीं पर बैठने के लिए बोल दिया। तो ट्रेवर जल्दी से आ जा, अभी हम लोग चलते हैं सीधा बिग माफिया के बेटे को मारने के लिए। तो गाइस यार आज अपना पूरा का पूरा प्लान है कि आज की डेट में उसको 100% खत्म करके हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। और अभी देखो ये चीज तो कंफर्म है कि बिग माफिया का बेटा ना आप कहीं पर भी भाग कर नहीं जाने वाला है, क्योंकि उसकी ना सारी की सारी गाड़ियां तो हमने पंचर कर दिया है और ट्रेवर जल्दी से भाग के आ जा, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो चलो भाई अभी हम लोग पूरे के पूरे रेडी हैं बिग माफिया के बेटे को मारने के लिए। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से चल लेता हूं यहां पर मैं सीधा ऊपर की तरफ में बिग माफिया के बेटे को मारने के लिए। और गाइस यार ये ना बहुत ज्यादा खतरनाक जिंदगी और मौत का खेल होने वाला है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकते हैं। तो ट्रेवर भाई जल्दी से, ट्रेवर ने भी अपनी ऑटो गन निकाल लिया है लेकिन मैं चलाने वाला हूं अपना देसी कट्टा, क्योंकि आपको पता होगा कि जब यह मत्थे पे पड़ता है ना तो बंदा तो मरता ही और उसके पीछे जो 10 खड़े होते हैं ना वो भी डर के भाग जाते हैं। तो अभी ना जल्दी से यहां पर मैं पीछे चलता हूं और गाइस यार यहां पर ना उस वाली बिल्डिंग के अंदर ही बिग माफिया का बेटा है और ये जो ये वाली बिल्डिंग है ना यहां पर मेरे को कोई भी नजर नहीं आ रहा। तो अभी ना मेरे को कुछ भी करके उस वाली बिल्डिंग के अंदर जाना है और यार यहां पर देखो सामने की तरफ में एक सोल्जर खड़ा हुआ है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, अभी ना आगे जाने के लिए मुझे सोल्जर को मारने पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन नहीं है, तेरी ऐसे तैसे निकल यहां से। तो गाइस यार अभी ना आगे की तरफ से मेरे हिसाब से बहुत सारे बंदों ने आना शुरू कर दिया है, तो अभी ना एक एक करके हमको सब लोग को मारना पड़ेगा। तेरी ऐसे तैसे निकल भाई साहब, यहां पर तो बहुत सारे बंदे हैं। तो अभी जो मेरा देसी कट्टा है ना वो नॉन स्टॉप चलने वाला है, बट अभी ना यहाँ पर देसी कट्टे से काम नहीं हो पाएगा, यहाँ पर मेरे को अपनी ऑटो गन की लड़ी लगानी पड़ेगी। निकल यहाँ से, तू भी निकल। तो गाइस यार ये बेचारे ना सारे के सारे ट्रेवर को मारने में बिजी थे और मैंने सबको डाउन कर दिया, बट यहाँ पर इतने सारे बंदे हैं कि लाइन से एकदम भागते हुए आए जा रहे हैं भाई साहब।
इतनी सारी सिक्योरिटी बिग माफिया के बेटे के पास, भाई ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। रुक जाओ अभी ना, थोड़ा सा सोच समझ के संभल के फाइट लेनी पड़ेगी, वरना ये लोग भाई मार मार के भूत बना देंगे। तो ट्रेवर यार अभी ना मैं थोड़ा सा आगे की तरफ में बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिग माफिया का बेटा हो सकता है यहाँ से भाग जाए, और यहाँ पर ना सारे के सारे बंदे आगे भाग कर आ रहे हैं यार, बिग माफिया का बेटा पीछे से निकल जाएगा। तो वैसे यार हमें ना कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगर अभी ना बिग माफिया का बेटा भाग भी जाता है नीचे, तो गाड़ियों के पास तो फ्रैंकलिन और अंडरवाटर माफिया खड़े हैं, वो उसका कुत्ता बना देंगे। तो चलो गाइस यार यहाँ पर अभी ना बहुत सारे बंदों को तो मैंने मार दिया, अभी ना आगे और भी बंदे बचे हुए हैं। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना एक एक कर यहाँ पर एकदम भर के बंदे आ चुके हैं। उस साइड ट्रैवर ना बहुत ही बुरी तरह फंस चुका है, और गाइस यार मेरी गन की भी ना एमो लिटरली खत्म होने वाली है। तो यहाँ पर ना सब बंदों को मैं बहुत ही बुरी तरह मारने वाला हूँ, और अगर इन्होंने मेरे को मारा ना तो फिर बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर ट्रैवर अकेला बचेगा, और अगर ट्रैवर अकेला बचा तो भाई मेरे हिसाब से वो इन सबको अकेले नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत बंदे नहीं है, बहुत सारे बंदे हैं। और अभी मैं घूम कर आ जाऊँ पीछे से, आ जाओ बेटा जिसको आना आ जाओ, अभी ना अपनी गन में बजाने वाला उनके बुरी बुरी उतरा। ड्राइवर भाग करा जल्दी, सबको मैं मारता हूँ भाई, सब यहाँ पर सबके भर दिए। ट्रैवर इसीलिए जल्दी से भाग कर आया क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत सारे बंदे थे। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर जितने बंदे थे ऑलमोस्ट मैंने सबको मार दिया। तेरी ऐसी की तैसी भैंस की डंग, मेरे गन मारने जा रहा है, निकल यहाँ से। अभी इसके मैंने भर दिया, और ये रहा गंजा गंजा तू भी निकल। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर जितने भी बंदे थे मैंने सबको मार दिया। तो जल्दी से मैं चलता हूँ पीछे की तरफ में, वहीं पर था बिग माफिया का बेटा। और गाइस यार यहाँ पर ना कुछ डीलर्स खड़े हैं, इनको भी मार के मैं साइड करता हूँ। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने दूर से ये सारे के सारे डब्बे देख लेते हैं। मुझे पता था कि बिग माफिया का बेटा यहाँ पर ड्रग डीलिंग करने आया होगा, बट यार बिग माफिया का बेटा है कहाँ पर? जब लास्ट टाइम मैंने उसे देखा था तो मैंने उस वाले फ्लाईओवर से उसको देखा था, और यार वो यहीं पर खड़ा होता, बट अभी वो यहाँ पर नहीं है। भाई ये क्या गलत सीन होगा यार, उसको मारने के लिए मैंने इतने सारे बंदे मारे, तो मेरे हिसाब से वो ना गाड़ी से भागने गया होगा। जल्दी से मैं अपना फ्रैंकलिन वगैरह कॉल करके पूछता हूँ कि आखिरकार वो कहाँ पर है। तो अभी ना जल्दी से मेरे को नीचे चलना पड़ेगा, वहाँ पर देख कर आता हूँ कि आखिरकार वहाँ पर बिग माफिया का बेटा मरा है कि नहीं है। तो चलो गाइस यार बिना किसी देरी के मैं जल्दी से आगे चलता हूँ। और गाइस यार यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह किसे लाओगे भाई? सब इन सब के लिए भी एम्बुलेंस आएगी क्या अब? तो जल्दी से मैं आगे चलता हूँ, और यहाँ पर आगे चलकर देखते हैं आखिरकार क्या सीन है, कहाँ पर है बिग माफिया का बेटा। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, जहां तक मेरा प्लान था ना मुझे लग रहा था कि वो यहीं पर आएगा। और गाइस यार ये अंडरवाटर माफिया यहाँ पर क्या कर रहा है? एक सेकंड। तो ओके गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर अंडरवाटर माफिया से बात होगी। अंडरवाटर माफिया ये कह रहा कि ना फ्रैंकलिन के स्टार्टिंग में किसी ने गोली मार दी थी, इसलिए वो ना उसको साइड में लेकर आ गया ताकि कोई उसे और ना मार दे। तो अभी ना मैंने उसको बोल दिया जल्दी से फ्रैंकलिन को लेकर तू हॉस्पिटल जा। और यार लेकिन ये कह रहा कि ना बिग माफिया का बेटा अभी तक यहाँ पर नहीं आया, ये काफी देर से खड़े होकर उसे देख रहा है। तो गाइस यार मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार बिग माफिया का बेटा गया कहां पर। यार मैंने पूरी की पूरी बिल्डिंग चेक कर ली, बट यार मुझे कहीं पर भी बिग माफिया का बेटा नहीं नजर आ रहा। और गाइस यार वो देखो बिग माफिया का बेटा यहां पर गाड़ी में आकर बैठा, गाड़ी रोकती रही ऐसी की तैसी। ड्राइवर जल्दी से नीचे निकल वरना वो भाग जाएगा। भाई साहब उसके साथ दो दो सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, तो मुझे ना उसे जल्दी से मारना पड़ेगा। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, बिग माफिया के बेटे ने यहां पर अपनी गाड़ी रोक लिया, गाड़ी का शीशा। भाई साहब गाड़ी रोकती रही ऐसी की तैसी। भाई साहब यहां पर इन दोनों को भी मारना पड़ेगा, इसके सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं। तो जल्दी से ड्राइवर गाड़ी में बैठ वरना वो भाग जाएगा। अभी फटाफट से यार मुझे गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करना पड़ेगा। और यार इन गाड़ियों के टायर मैंने पंचर कर दिए थे, और वो उसकी गाड़ी ना वहां से लेफ्ट मुड़ गई, और यार अपनी गाड़ी तो चलने का नाम भी नहीं ले रही क्योंकि इसके सारे टायर पंचर हैं। एक काम करता हूँ, दूसरी वाली गाड़ी में बैठता हूँ, और यार अभी ना मुझे नहीं मालूम वो कहां पर गया, बस ना मैंने उसको यहां से लेफ्ट वाले रस्ते पर मुड़ते हुए देखा था। तो बस यार ये वाली गाड़ी चल जाए, इस गाड़ी का ना एक टायर पंचर है, तो थोड़ा बहुत दूर तक तो मैं उसका पीछा कर पाऊंगा। चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना जल्दी से यहां पर मैं अपनी ये वाली गाड़ी भगा लेता हूं सीधा उसके पीछे, और यहां से वो मुड़ा था लेफ्ट। बाकी यार मुझे ना अभी अच्छे से बिल्कुल भी रास्ता याद नहीं है। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते सीधा ले जाने वाला हाईवे की तरफ, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है बिग माफिया का बेटा ना हाईवे की तरफ में भागा होगा, क्योंकि जब भी मुझे भागना होता तो मैं भी सीधा निकलता हूं हाईवे की तरफ, क्योंकि भागने के लिए उससे बढ़िया रास्ता कोई होता ही नहीं है। तो बिना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर चलता हूं सीधा हाईवे पर। और यार सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि इस टाइम पर ना बिग माफिया का बेटा बिल्कुल अकेला है, उसके साथ कोई भी उसका सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। और यार यहां पर ये जो अपनी गाड़ी है ना इतनी ज्यादा घटिया, भाई पूछो मत, मेरे को ना अपनी गाड़ी बदलनी पड़ेगी। लेकिन अगर अभी ना मैं गाड़ी बदलने गया तो बिग माफिया का बेटा ना मेरे से उतना ही ज्यादा दूर चले जाएगा। तो बिना किसी देरी के यहां पर मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते निकल लेता हूं सीधा हाईवे पर। और गाइस यार अभी ना मैं बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मारने वाला, मतलब क्या अगर मेरी गाड़ी का टायर पंचर नहीं होता ना तो अभी तक मैं बिग माफिया के बेटे को पकड़ चुका होता। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी मेरी गाड़ी जो है ना भाई 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो पकड़ ले रही है। बाकी यार इसमें बिना ढंग से मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बट कोई नहीं, अभी ना जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को एकदम भगाते भगाते निकल लेता हूं सीधा। बस एक बार ना ढंग से मुड़ जाए कट्स पर, ये देखो भाई ये ना ढंग से मुड़ नहीं रही है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते अपने घर से बहुत ज्यादा दूर आ चुका हूं। और गाइस यार मुझे नहीं लगता कि मैं बिग माफिया के बेटे को ढूंढ पाऊंगा, और ये जो गाड़ी है यही तो है बिग माफिया के बेटे की गाड़ी। ओ भाई साहब यार ये मैंने कैसे टक्कर मार दी, एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब ये फिर से मेरे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन गाइस यार मैं इसको बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। भाई ये क्या है बंदे, भाई जान मुझ के वो ब्रेक मार रहा है। भाई साहब मैं अच्छा खासा जा रहा था। तो गाइस यार ये जो सिल्वर वाली गाड़ी आप देख पा रहे हो ना, यही है बिग माफिया के बेटे की गाड़ी। और भाई सच्ची में किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, उस बंदे ने टक्कर मारी, मैं हाईवे से ही बाहर हो गया, और यहाँ पर अपनी जो गाड़ी पानी में आके नीचे उतर गई। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात है, अभी ना मेरी जो गाड़ी है यहाँ पर आराम
से ऊपर चढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ना भी जल्दी से मेरे को बिग माफिया के बेटे तक पहुंचना है। उसकी जो गाड़ियां ना यहाँ से भी थोड़ा ही दूर गई होगी मेरे हिसाब से। और गाइस सर अगर मेरे को बाइक मिल जाएगी ना तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा, बट यार इस बाइक को लेने के चक्कर में ना कन्फर्म बता रहा हूँ बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना गाड़ी चलाते चलाते हमारी गाड़ी में आग भी लग चुकी है। तो यार मुझे ना अभी कुछ भी करके गाड़ी बदलनी पड़ेगी वरना फिर यार बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना अपनी गाड़ी के अंदर बहुत ही बुरी तरह आग लग गई है, मतलब पूरी पूरी गाड़ी फूट चुकी है। और सही टाइम पर ना ड्राइवर भी उस साइड पर कूद गया था, ड्राइवर तो बच गया बट यार मेरे को थोड़ी बहुत चोट आ गई है। और गाइस यार यहाँ पर ना मुझे बाइक करके बाइक चाहिए, जल्दी उतर तेरी भैंस के डंग, बाइक से उतर, इसके भी मैंने गोली भर दी। और यार ये क्या हो रहा है आज, मतलब कि कोई भी टक्कर मारकर चले जा रहा है भाई, कोई इज्जत ही नहीं है। तो जल्दी से बैठ भाई ड्राइवर, भाई बहुत ही बुरी तरह इसकी गोली मारी है। और गाइस यार अब ना अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि मेरे को भी मिल गई है हायाबुसा। और अभी ना मैं जल्दी से जल्दी बिग माफिया के बेटे तक पहुंचने में टाइम नहीं लगाऊंगा, तो बिना जल्दी से निकलता हूं सीधा बिग माफिया के बेटे के पास। और यहां पर ना भाई सब ये देख रहे हो मतलब कैसे कैसे ड्राइवर आज मिल रहे हैं जो कि मतलब यार बेमतलब जान मुझके टक्कर मार रहे हैं। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को भगाता भगाता और भी ज्यादा आगे लेकर आ चुका हूं, बट यार मुझे ना अभी यहां पर बिग माफिया के बेटे की कार अब नजर नहीं आ रही। पहले मेरे को दो तीन बार दिख गई थी बट यार अभी उसकी गाड़ी का कोई भी नामो निशान मेरे को यहां पर नजर नहीं आ रहा। मेरे को गाइस पता क्या लग रहा है कि अगर बिग माफिया का बेटा इधर आया है ना तो वो कंफर्म, वो देखो उसकी गाड़ी वो है पहाड़ पर जा रही है, यहां पर आप लोग को दिख रही होगी। तो बिना जल्दी से मेरे को अपनी बाइक को भी पहाड़ पर लेकर चलना पड़ेगा, मेरे को पता चल गया बिग माफिया का बेटा कहां पर जा रहा है। तो गाइस सर आपको पता होगा बिग माफिया का बेटे का जो सीक्रेट बेस है ना वो यहीं पर है। तो बिना जल्दी से यहां पर मैं अपनी गाड़ी को वहीं पर लेकर चलता हूं। और गाइस सर इसकी गाड़ी कहां पर चलेगी, मेरे को ना आगे से यू टर्न लेना जल्दी से, अभी वो लॉन्ग कट से जाएगा और मैं शॉर्टकट से आऊंगा, बट यार मेरे को उसकी कार अभी तक तो नजर नहीं आ रही मेरे हिसाब से। वो देखो गाइस सर वो जा रही है उसकी कार, तो जल्दी से यहां पर इसके मस्त एकदम गोलियां बजाऊंगा यार। एक गोली भी लग गई ना इसके इसका काम जो तमाम हो जाएगा यार, बाइक पर बैठ के गोली चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो चलो गाइस सर बिना फटाफट यहां पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर थोड़ा सा आगे चलता हूं। और यहां पर एक सेकंड भाई साहब ये तो पूरा का पूरा टनल के अंदर घुस चुका है, और अगर एक बार टनल के अंदर घुस के इसने टनल का गेट बंद कर दिया ना तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। और यहां पर कुछ लोग भाग कर जा रहे हैं, इन लोग को मारता हूं। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना ये वाला टनल का गेट खुला हुआ है जो टनल सीधा जाती है सीक्रेट बेस के लिए। तो मेरे को पता क्या लग रहा है कि बिग माफिया का बेटा 100% इसी के अंदर गया होगा, बट यार अभी ना मुझे इसके अंदर जाने से डर लग रहा है क्योंकि यार देखो हो सकता है कि उसके और भी सिक्योरिटी गार्ड अंदर हो, बट यार जहां तक मैंने देखा था ना कि वो अकेले ही भागता हुआ गया था, बट अगर उसके और भी सिक्योरिटी गार्ड अंदर हुए तो हम लोग देख लेंगे क्योंकि यार उसको मारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ने उसको नहीं मारा तो यार बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, वो बाद में हमें मारेगा जरूर क्योंकि हमने उससे बहुत गदर वाला पंगा लिया है, उसकी पूरी की पूरी डील कैंसिल करवाई है। तो आज की डेट में उसे मारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वरना हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। तो गाइस यार आप लोग यहां पर देख पा रहे हो जो उस दिन हमने ब्लास्ट करा था भाई वो कितना ज्यादा डेंजरस हो रखा है इस टनल के लिए। तो बिना जल्दी से मैं बिना किसी देरी के इस टनल के अंदर चलता हूं। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक को भगाते भगाते सीधा बिग माफिया के सीक्रेट बेस के अंदर पहुंच चुका हूं। ये वाली टनल भी खत्म हो गई है और गाइस यार मुझे ना यहां पर भी कहीं पर बिग माफिया का बेटा नजर नहीं आ रहा, क्या पता इसके अंदर छुपा हो, नहीं यार वो यहां पर भी नहीं है। एक बार ना मैं उस तरफ में चलकर देखता हूं, इन रूम के अंदर भी मेरे को वो नजर नहीं आ रहा। और उसकी गाड़ी जो है गाइस यार आप लोग यहां पर देख पा रहे हो सामने की तरफ में खड़ी हुई है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो पीछे की तरफ में जो रास्ता है वो तो यार फिलहाल बंद हो रखा है, और यहां पर जो बिग माफिया के बेटे की कार है जिसमें वो भाग कर आया था वो कार यहां खड़ी हुई है। और सामने की तरफ में ना एक रास्ता और जा रहा है, और यार ये जो रास्ता है तो बहुत ज्यादा डरावना सा लग रहा है, मतलब यार देखो यहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, पूरा का पूरा रास्ता ब्लैक है। और ये मैं कहां पर आ गया भाई, मैं जमीन पर भी चल रहा हूं कि नहीं, सामने की तरफ में ना एक बहुत ज्यादा मजबूत सा गेट है। एक काम करता हूं ना सबसे पहले ना यहां पर मैं टॉर्च निकालता हूं और यहां पर ना टॉर्च जला कर देखता हूं ये कैसी सी जगह भाई साहब। यहां पर गाइस आप लोग देख पा रहे हो बहुत ज्यादा अजीब सी जगह ये मेरे को लग रही है, और यार यहां पर मैं आज से पहले कभी भी नहीं आया, मतलब यार ये जो बिग माफिया का सीक्रेट बेस है ना भाई ये बहुत ज्यादा बड़ा है। उसने जब ये मेरे को अपना सीक्रेट बेस दिखाया था ना तो वो समझ लो 50% था, बाकी यार यहां पर ना अभी भी बहुत सारे रास्ते हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है कहां पर जाते हैं। तो गाइस यार ये वाला जो गेट है ना ये पूरा का पूरा लॉक पड़ा है, और यहां पर एक बटन है पता नहीं ये इससे खुलेगा कि नहीं खुलेगा, बाकी यार ये जो गेट है ना मेरे हिसाब से तो ये नहीं खुलने वाला। और ये जो रास्ता है ना भाई बहुत ज्यादा अजीब है। तो मेरे को पता है क्या लग रहा है कि जो बिग माफिया का बेटा है ना वो यहीं से अपनी गाड़ी उसने रोकी है, और उसके बाद वो सीधा इस वाले रास्ते से भाग कर यहां से निकल चुका है। बट यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगा भाई, ये रास्ता कहां पर जाता है कुछ नहीं मालूम। लेस्टर इस गेट को खोलकर दिखाएगा भाई अभी कुछ नहीं मालूम मेरे को। तो बिना जल्दी से काम करता हूं मैं अपनी गाड़ी में बैठकर यहां से निकल लेता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि बिग माफिया का बेटा अपने बंदे भेजकर हमें मरवा दे। तो भाई ये तो यार बहुत ज्यादा गलत सीन हो चुका है, उस वाले रास्ते में भी मैं भूल कर भी नहीं जाने वाला क्योंकि भाई अभी ना यहां पर मेरे को बहुत ज्यादा खतरा लग रहा है। तो गाइस यार देखो ये जो जगह ये पहले मेरे को उतनी डेंजरस नहीं लगती थी, बट अभी ये जो मैंने रास्ता देखा है ना भाई इसको देखने के बाद तो ये जगह मेरे को बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं 6,50,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मेरे से बात करने
करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो यार आज किस वाली वीडियो में इतने, मिलते अगली वीडियो में, गुड बाय।